थोड़ा सा आप लोगों से सुन लें आप क्या अपेक्षा लेके आए। और मैंने एक परिचय शिविर की है उसी लिए, बट यस फैमिली, जैसे काफी मेरे ख्याल से आदमियों में भी फैमिली फैकल्टी मेंबर्स भी वाइफ को लेके आए या हस्बैंड्स को लेके आए, वैसे ये था कि परिवार को साथ में लेके आ जाए, उस वजह से हम लोग दो लोग इस शिविर में पूरा अटेंड करने आए हैं। बाकी कंटेंट तो और ज़्यादा समझने की कोशिश में इस शिविर के लिए, वो मेरी अपेक्षा है। और तो मेरे ख्याल से मैं लोगों को सुनना चाहूँगा। भाभी जी, समझ आया कि इसमें एक्चुअली रियल टाइम कनेक्ट हो सकता है एंड जिंदगी में इसको एक यू नो रियली उसको इम्प्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। सो और समझना है और सीखना है, इसलिए है। डॉक्टर अंजलि है, मैं आपसे पहले मिला हूँ। हाँ, मैं आपके घर आ चुकी हूँ। 3 साल हो गए। मैं मेरे ब्रदर इन लोग के साथ आई थी, हिमांशु शाह के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी जी। मैं और हाँ, मेरे हस्बैंड वो अभी थे परिचय के शिविर में, मैं नहीं आ पाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अभी इस बार चलो, यू विल बी एबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स देयर। और हिमांशु भाई भी बोलते रहते हैं कि नहीं ये अच्छा है आपके लिए, आप ज़रूर इसमें आप कुछ सीखेंगे, कुछ लेके जाएंगे जाएंगे तो बिल्कुल। थैंक यू जी। हम लोग अहमदाबाद से आए। जी, गुड मॉर्निंग। जी जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंथन जानी फ्रॉम भावनगर। ये मेरी आपके साथ तीसरी मुलाकात है। इससे पहले 2 शिविर किए हुए हैं मैंने। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको फीडबैक दिया था कि जैसे मैं हर बार आपको मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। माइंड में जो डेफिनेशंस पहले से रहती है इंसान के, वो थोड़ी क्लियर होती है। और अब एक्सपेक्टेशंस का तो क्या है कि कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस आपके पास लेके आते ही हम लोग। और अब देखते हैं, इस बार भी और मजा आएगा। मेरा नाम तथापि उचाल है, मैं कच्छ से आया हुआ हूँ। एक्चुअली आई एम अनमैरिड, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, हर कोई बोलता है कि शादी करनी चाहिए, बट कोई कॉग्निटिव थिंग नहीं है, तो वही एक्सपेक्टेशन है मेरी। शादी हुई है कि अभी नहीं हुई? नहीं हुई है। करने का कोई ठोस रीजन समझ में नहीं आया। अभी तो यहाँ पे अभी तो एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि कुछ और अभी तक कुछ लाइफ के बारे में कुछ जानना है, अभी क्या है पता नहीं। पर कुछ ऐसा मेरा भाई यहाँ पे 2 शिविर करके गया, तो ही उसको बहुत पॉजिटिव है कि तू जा, इसकी वजह से अभी तो मैं आया हूँ। इज वेरी पॉजिटिव कि भाई तू जाएगा तो यू लर्न मैनी थिंग्स, तो उस हिसाब से मैं आया हूँ अभी यहाँ। जी, जतिन ठक्कर है वो भी फर्स्ट ईयर, अभी वो एक शिविर करके यहाँ से आया। अच्छा, मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। वाइफ को कहना चाहिए, समझ में नहीं आता है, सब कुछ साथ में करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, प्रायोरिटी दे, प्रायोरिटी लाइफ की भी है, प्रायोरिटी वर्क की भी है, सब कुछ कर लेना है। तो समझ में आए कि क्या किस तरह से बैलेंस करके चले। बढ़िया, हिंदी बोल रहे हैं? हिंदी? हाँ, मैं राजकोट से हूँ भैया। जी, मेरा नाम चंदन जानी है, 67 मेरी उम्र है। लाइफ तो पूरी शादी हो गए, बच्चे हो गए, नानी बन चुकी हो गई, फिर भी रहस्य जानना है, तो ऐसा विद्यार्थी के साथ विद्यार्थी बन के आई। जीवन विद्या के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ नया जानने मिलेगा ये सोच के मैं। जी, किसके थ्रू आए? आनंद निकेतन। आनंद निकेतन, अच्छा, आनंद निकेतन के पेरेंट्स हैं। हाँ, और मेरी वाइफ साथ में। माइक तो मैं फ्रॉम अथिया से हूँ। क्या क्या कर रही हूँ? अभी BSc बायोकेमिस्ट्री में हूँ, कॉलेज F5 में। मेरा यहाँ पहली शिविर है और आई होप मैं यहाँ से कुछ नया सीख के जाऊँ। थैंक यू। बस शिविर है, देखिए क्या सीख के जाते हैं। क्यों आए? क्यों आए? हैप्पी मैरिज के रिलेटेड था तो कुछ सीख के ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रहता है, इस बहाने कुछ बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा।
शादी करने का एक फायदा तो है, आदमी को बोर होने का टाइम मिलता है। हमेशा बिजी रहे। जब कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमारे अस्तित्व को झकझोरती हैं या एक बार हमको सोचने के लिए मजबूर करती हैं, तो इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो मेरे को लगता है कि जो भी कुछ घटा है उसको पहला काम है पॉजिटिवली लिया जाए कि आपका ध्यान इस बात पे चला गया कि मेरा कोई अस्तित्व है। कई बार जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाती है तो जिंदगी पे ध्यान ही नहीं जाता। तो इतने हजारों लोगों से बात करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आदमी की जिंदगी में ये कुछ भी ऐसी घटनाएं घटना जिसमें उसके अस्तित्व का संकट खड़ा होता है, वो उसको सोचने के लिए बाध्य करता है। एक बार वो दुखी होने का दौर जरूर आता है, लेकिन वहां से जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो पहला काम है उसका स्वागत किया जाए, कुछ नया मिलने वाला है। आज कई बार तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटे तो लोग किसी वर्कशॉप में नहीं जाए, और नहीं जाए तो कुछ नया नहीं सीखे, क्योंकि रूटीन में हमको लगता है सब ठीक ही तो चल रहा है, क्या जरूरत है। तो ये घटनाएं हमको मजबूर करती हैं कुछ नया सीखने के लिए, नया समझने के लिए, अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी जिंदगी पे क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो कल आप जब इन घटनाओं से निकल जाओगे तो तमाम परिस्थितियों को, उन लोगों को धन्यवाद दोगे कि ये घटनाएं नहीं घटी होती तो मैंने जिंदगी नहीं पाई होती, है ना। तो पहला काम है रिलैक्स होके एग्जिस्टेंस में, नेचर में कुछ आपके साथ घटा है उसका कोई पर्पज़ है, उस पर्पज़ के लिए इंतजार किया जाए कि जिंदगी कुछ नया देने वाली है और मैं कुछ नया लेने के लिए तैयार हूँ, है ना। इस माइंडसेट के साथ अपन रहेंगे तो अपन एक अच्छी यात्रा करेंगे। और आप विश्वास करें, हालांकि ये वर्कशॉप हम मिनिमम 7 डेज करते हैं, चूँकि अभी तक वर्कशॉप में वही लोग आते हैं जिनके कोई फैमिली लोग पहले से आ चुके होते हैं तो उनको पता ही होता है। अब चूँकि हम लोग लगातार समाज में मूव करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो पर्सनली हम और हमारे कुछ मित्रों को लगा कि मैरिज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इस पर कुछ बात करने की ज़रूरत है। तो हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, तो ये एकदम फ्रेश नए लोगों के लिए है कि जिनको कोई बैकग्राउंड हम लोग के साथ नहीं है, हम जो काम करते हैं उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, उसका कोई ये कोई मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं है, हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, सारे शिविर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, रहने खाने पीने का जो खर्चा आता है वो जो लोग आते हैं मिलके वहन करते हैं। तो ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, है ना। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पिछली बार किया था 3 दिन किया, तो 3 दिन में करने से ऐसा लगा कि कंटेंट ठीक से जा ही नहीं पा रहा है, तो इस बार सोचे कि चलो 5 दिन करके देखते हैं थोड़ा कुछ बेहतर। तो हमारे लिए भी ये एक ट्रायल है आप लोगों से बात करने का, रिजल्ट तो आएगा ही नो डाउट, जितना आप सोच के आए थे उससे ज़्यादा आप लेके जाओगे, है ना, रिजल्ट में कोई शंका नहीं है। हाँ, लेकिन अपन अच्छे मन से एक रिसेप्टिव मोड में, एक स्वागत मोड में रहेंगे, नहीं तो क्या है कि मैं कुछ बोलता रहूँगा आपका मन किन्हीं घटनाओं के साथ चलता रहेगा, तो लिसनिंग ही नहीं हो पाएगी, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो पहला काम है कि हम बहुत अच्छे मन से सब घटनाओं को धन्यवाद जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो आगे जिंदगी शुरू करें, बढ़िया। हाँ जी, आदमी में था वो 2015 to 2019, लेकिन उससे पहले की मेरी जो जर्नी थी वो मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग, और उससे मेरा कंक्लूजन ये था कि रीडिंग से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है लेकिन फायदा ध्यान से होता है, मतलब विपश्यना प्रैक्टिस में था तो ध्यान से बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन जब आठवीं में था तब ये कंटेंट में इंटरेस्ट था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मेरा मतलब अनुभव था वो मुझे लगता था कि भाई ध्यान से ही होगा और करियर से ज़्यादा प्रायोरिटी बन नहीं रही थी। बाद में मेरी शादी हुई और फिर अभी ये लग रहा है कि अगर साथ लेके चलना है जैसे ध्यान है तो जैसे 10-15 ईयर्स लगेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे चलना अकेले पड़ेगा और वो डिस्कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर साथ में चलना है तो इससे ही हो सकता है कि साथ मिलके, जैसे मेरी वाइफ है, मुझे अकेले तो जीना नहीं है, मुझे समाज के साथ जीना है, वाइफ के साथ जीना है। तो इसमें ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि साथ मिलके कर सकते हैं, अकेले अकेले नहीं करना है, तो एक कनेक्टेड फील होता है। दूसरा ये कि हमने ये 3 दिन की आपने जो बात की थी वो भी अटेंड की थी, तब न्यूली मैरिड थे, तो मोस्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है हमारे मैरिड में भी और दूसरे में भी कि होता ये है कि सही कौन है। तो अभी लगता है कि सही कोई नहीं है, अब अभी रेफरेंस से देखते हैं कि क्या बात है, मतलब जो भी झगड़े की जो भी लाइफस्टाइल है हमारी
तो सही क्या है, तो हम एक दूसरे को मतलब सही नहीं मानते कि भाई तुम भी सही नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, हमारी लाइफस्टाइल भी सही नहीं है। ये सस्टेनेबल लिविंग के लिए एक रेफरेंस के रूप में मिलता है ऐसा। बात का जो वर्कशॉप था पिछली बार अहमदाबाद में, तब आए थे तो तब वहाँ देखा आत्मीय में आप नहीं थे। तब मैं आत्मीय में नहीं थी, अब मैंने जॉब स्विच कर ली तो बस वही अधूरा हो गया। अभी दोनों आत्मीय में हो? नहीं, इन्होंने तो 2019 में हमारी शादी के बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, अभी कहाँ हो? आईटी कंपनी। तो अभी मैंने आत्मीय जीवन विद्या की वजह से ही थोड़ा ज्वाइन कर लिया था और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो 3 दिन में छूट गया था अब यहाँ पे कंप्लीट करने आई हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत। आपने बोला था कि 7 दिन एक तरफ और पिछली जिंदगी एक तरफ, तो बस मेरे साथ वही हुआ भैया, और वहीं से यात्रा शुरू की है मैंने। तो मैंने यही देखा है कि मैंने मतलब जो आ रहा है मुझे लेना है। मैंने अध्ययन बिंदु किया, फिर अध्ययन भी किया है, और जो भी मतलब मेरे अनुकूल होती है शिविर तो मुझे करना है, वो निष्कर्ष निकाल लिया है मैंने। तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, हो गई है भाई, 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए? हाँ। अच्छा, तो बस यही 15 साल हो गए। हाँ। अच्छा। और भैया इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि बात ही नहीं, मैं बना भी नहीं मैरिज लाइफ के लिए। मैं सब सीखने आई हूँ कि आगे क्या है मेरी लाइफ में, वो सब सीखना है, जानना है बस। कितना साल हो गया शायद? 9 साल। 9 साल हो लग नहीं रहा। नमस्ते सर, मेरा नाम भरत पटेल है और मेरा बिजनेस और लाइफ मतलब कि वाइफ के साथ जो रिलेशन होता है उसके साथ कैसे चलते हैं वही जानने के लिए आया हूँ। बिजनेस, लाइफ और वाइफ, वाइफ तीनों के बीच में यही जानना है। कोई ना कोई इंसान पे या ट्रस्ट इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मुझ में अभी नहीं रहा कुछ भी। इंसान में? इंसान कि मैं उस पे ट्रस्ट करूँ कि ट्रस्ट करूँ कि नहीं। रिलेशन में बॉन्डिंग बनाना चाहते, क्योंकि अभी ये सब मुझ में खत्म हो गए हैं, जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी रिलेशन में, चाहे कोई भी हो। अभी पहले जल्दी कर लेती, झट से मैं सब में ट्रस्ट कर लेती, कोई भी नहीं चाहूँ, लेकिन अभी नहीं कर पाती मैं। कितने साल हो गए शादी को? 8 साल। सब ऐसे एक टाइम आया था कि सब मेरे लाइफ में कुछ आती नहीं, ऐसा टाइम आ चुका है मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना चाहती हूँ मेरे लाइफ पार्टनर के साथ कि नहीं कुछ आगे अच्छा होगा। अभी तो बच्चा है, कितनी सारी नेगेटिविटी है मेरे अंदर अभी। कितनी? बहुत सारी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आ गई? हाँ, अभी वो सब निकलना चाहती हूँ बस। मैंने 3 बार तो शिविर की है, मैं इस बार वाइफ के साथ आया हूँ। जो हमारे आपसी रिलेशन है वो अच्छे करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वही मेरा गोल है अभी तो। अच्छी बात है कि दोनों अच्छे करना चाहते हैं। करती हूँ, और मुझे मुकेश भाई जोधवानी लास्ट एक साल से बोल ही रहे थे कि ये शिविर में आप अटेंड करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ जो मैं जो बच्चों को ध्यान रखती हूँ, मेरे पास करीबन 1300 बच्चे का मैं ध्यान रखती हूँ, मेरे अंडर में है 1300 बच्चे। तो बोल रहे थे कि इसमें बिहेवियर में चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अभी मेरी जो भी ड्यूटी चल रही है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह चल रही है, सब छोड़ के यहाँ पे शिविर अटेंड करने के लिए आई हूँ, ये के कुछ लेके जा रहा है। आप अकेले आए? हाँ, मैं अकेले आई हूँ। जी, बढ़िया, स्वागत। और जीवन विद्या से 1992 से जुड़ना हो गया था बाबा जी से। बाबा जी का आना जाना था घर में हमारे, और सोम भाई से जुड़ना हो गया था 95 में आ गए थे सोम भाई राय। तो सोम भाई छोटे भाई जैसे ही हैं मेरे, और मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ पत्नी, मेरी बेटी नम्रता खड़ी रहा, और उसकी सहेली है शिवानी, ये इससे अभी अभी दोस्ती हुई है बिटिया से। तो हम लोग
इन दोनों को यहाँ शिविर में लाने के लिए आए हैं ऐसा? दोनों बिल्कुल बहने लग रहे हैं, दोनों बहने लग रहे हैं। एक बेटी आपकी खोई हुई थी ऐसा लगा। जी घर पे बहुत प्रेशर मिल रहा है शादी के लिए और माइंडसेट अभी है नहीं प्रॉपर, क्योंकि रियलाइज नहीं हो रहा किस बेसिस पे शादी को किया जाए, तो उसी की क्लैरिटी के लिए आना। बहुत बढ़िया, बाजू में। नमस्कार सभी को, मेरा यहाँ पे आने का मेन थोड़ा माइक ऊपर, मेरे यहाँ पे आने का मेन मोटिव था कि मैं लाइफ में बहुत इनसिक्योर हो चुकी हूँ और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो आसपास का माहौल देख के मतलब इतने डाइवोर्स और ये सब, तो वो सब मेरे को बहुत मतलब रोकते हैं कि मतलब मैं नहीं करने वाली शादी के हाल दे, तो थोड़ा सा माइंड सेट अपना। सो आई हैव कम टू टेक, ऑफ कोर्स आई हैव आपका अटेंड किया है मैंने 4-5 आवर्स काफ़ी टाइम पहले, एंड इट वॉज सो प्रोडक्टिव, इतना सुन के ही आई थिंक अंदर से एक आप एनर्जी फील करते हैं, तो उसको ही बस बढ़ाने एंड नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट हियर टू टेक एवरीथिंग। कहाँ रहते हो? मैं अहमदाबाद। अहमदाबाद रहते हैं। कितनी बहनें आपकी? मेरी एक छोटी सिस्टर है एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर। कमल मंगल जी कितने भाई? ये सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटे वाले ब्रदर की डॉटर हूँ, सो मतलब अच्छा ही इज माय ताऊजी। ओहो, मैं सिस्टर सोच रहा था इसलिए थोड़ा। हाँ, बीएससी करी हुई है, एमएससी प्रीवियस करा हुआ है, तो इस चीज का मुझे है संतोष कि मैं बहुत अच्छी अपने आप को समझती हूँ कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ, और आपसे बस ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ आप देंगे बहुत अच्छा देंगे, जिसको कि हम लेना जरूर चाहेंगे। जी अच्छा, रायपुर की हैं अभी अहमदाबाद में रहते? अभी अहमदाबाद में। जी जी, मैरिड अहमदाबाद। जी बढ़िया बढ़िया। मैं आपका ये शिविर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, आई मीन नेवर अटेंडेड। एक राजपथ क्लब के पीछे जो आपने वर्कशॉप रखा था 3-4 दिन का अहमदाबाद में, वो अटेंड किया। द बेस्ट पार्ट मुझे आपके शिविर का लगा इज द पॉजिटिव एटमोसफियर एंड टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल थिंग्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं सिर्फ आपको सुनने एंड टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ इसके लिए। ओके, थैंक यू। 44 ईयर्स की मैरिड लाइफ है। नीलम शर्मा ने पहले बोला इसमें द बेस्ट पार्ट वाज मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, हेयर आफ्टर, वो हेयर आफ्टर देखने के लिए मैं। उसके पहले मैं आपको शर्मा जी का परिचय दे दूं, ही इज अ पुलिस ऑफिसर एंड आई एम अ रिटायर्ड टीचर, दोनों के प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली अपार्ट, बराबर। मेरे इनोसेंट बच्चे, इनके सभी रीढ़े गुनेगार। आई टेल यू, ये साइंस का जो नियम है दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वेरी मच एप्लीकेबल हियर, जो आप मैं ये बता रहे हैं ना कि देयर हैज बीन नो प्रॉब्लम, इट इज ओनली बिकॉज माई जॉब वॉज फाइन, हिज जॉब वॉज फाइन। We have just come to explore ourselves more. जी जी। So that आगे से कुछ hereafter कुछ आगे से अच्छा तो बहुत कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होगा। Thank you. जरूर। सभा में भी पहले एक brainstorming करते हैं कि देखो दो बड़े issues हैं। मैं भी कई जगह जाके बात करके देखा तो ये इसी तरह के बहुत सारे issues सामने आए, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बोलते हो तो जब आप कोई चीज़ को फील कर रहे होते हो और उसको आप आर्टिकुलेट करते हो तो बहुत प्रिसाइज होता है और बहुत लोगों तक पहुंचता भी है। तो दो इशू हैं कि एक तो शादी क्यों करना है और दूसरे बच्चे भी क्यों करना है, ये दोनों इशू उलझे हुए हैं। तो एक बार ये करते हैं कि आप जिस जिस लाइन में बैठे हैं उसी लाइन को 4 लोग का ग्रुप मान लीजिए, या आप रिवर्स टर्न करेंगे तो ये 8 लोग का ग्रुप हो जाएगा। इस ग्रुप में हम एक अपना डॉक्यूमेंट अपने पेज पे तैयार कर रहे हैं कि मेरे को क्या लगता है कि मैं शादी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए।
हर इंडिविजुअल अपने व्यूज को एक बार अभी मत लिखिए, मैं पहले शेयर कर दूँ। 8 का ग्रुप बना लीजिए, है ना, बैक बैक करेंगे तो इधर 10 का बन जाएगा, इधर 8 का बन जाएगा। तो हर कोई व्यक्ति इस बात को आप में के जो भी व्यूज हो लाइन से लिखें, और कहानी नहीं लिखना है 1 2 3 4, है ना। शादी क्यों करनी चाहिए 1 2 3 4, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए यदि आपके पास वो है, नहीं है तो आपका एक ही व्यू है कि करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत क्लियर वाले हो कि नहीं करनी चाहिए और इसलिए नहीं करनी चाहिए, हो सकता है आपको लगता है कि करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, दोनों तरह के व्यूज हो सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस ग्रुप में हैं, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, एक। दूसरा, फिर शादी करें तो बच्चे करें कि नहीं करें, बच्चे करने हैं तो क्यों करने हैं और नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने हैं, ठीक। हर व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और 5 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें आप लिख लें, फिर आप आपस में मिलके शेयर करें और आपस में मिलके शेयर करके एक कॉमन डॉक्यूमेंट अपने ग्रुप का तैयार करें जिसमें कि एक क्लियर पिक्चर आए कि आपके पूरे ग्रुप का क्या कहना है, शादी क्यों करनी चाहिए, शादी क्यों नहीं करना चाहिए, बच्चे क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को आप में से कोई एक व्यक्ति सबके सामने शेयर कर लेगा तो लगभग ऐसा सोचता हूँ कि 8-10 ग्रुप में सारी बात आ जाएगी। तो 10 ग्रुप में इंडिविजुअली सबके व्यूज इकट्ठे होके आपके ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में सबके साथ शेयरिंग के लिए डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि फाइनली आपका ग्रुप क्या सोच रहा है। इससे हमको ये पता चलेगा कि कितनी तरह की सोच और कितनी तरह की कंसर्न है, है ना। और कोशिश करें कि अपने व्यूज 1 2 3 4 क्लियरली लिखें और कोशिश करें कि आपके बीच में से जब आप कोई एक जन शेयर कर रहा है तो कोई एक जन कोऑर्डिनेटर पहले से तय हो गया है और वो कोऑर्डिनेटर सबके व्यूज को जितने रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दें, जितने नए व्यूज आ रहे हैं उनको लिख पाएं और सबके सामने शेयर कर पाएं। तो पहला काम क्या करना है, इंडिविजुअल लिखना है, नंबर एक। नंबर दो, अपने ग्रुप का कोऑर्डिनेटर तय करना है कि हमारे ग्रुप में से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि जब सब बोलेंगे तो एक व्यक्ति उसको नोट डाउन कर रहा होगा और सबके सामने शेयर करेगा। इश्यूज क्या हैं, शादी क्यों करना है, क्यों नहीं करना है और उसमें आपका स्टैंड किस तरफ है, नहीं करने की तरफ, करने की तरफ कि दोनों की तरफ, ऐसा क्लियरली मेंशन करेंगे। देखिए डाटा भी निकल के आएगा कि आपके समूह में से कितने लोग हैं जो नहीं वाले पक्ष में हैं, कितने लोग हैं जो हैं वाले पक्ष में हैं, कितने लोग हैं जो दोनों वाले पक्ष में हैं, है ना। करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, दोनों में कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे डुअलिटी की बात इन्होंने किया, ठीक है, क्लियर है। कोई बोल के बताए मैंने क्या बोला, कोई बोल के बताए मैंने क्या बोला, आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो इंडिविजुअली शादी करनी है या नहीं करनी है, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, पहले इंडिविजुअल, और या फिर दोनों भी हो सकता है शादी के मामले में, कि मुझे, मैं शादी के पक्ष में भी हूँ, नहीं भी हूँ, और नहीं है तो क्यों है, ड्यूअलिटी वाले केसेस। इंडिविजुअली लिख ले, बाद में ग्रुप का जो वहाँ 10 का कोऑर्डिनेटर या 8 का कोऑर्डिनेटर एक ग्रुप का हो और वो एक ग्रुप का ये शेयरिंग्स करे और फाइनली 5-10 मिनट में वो एक ग्रुप का एटलीस्ट उसका जो निचोड़ है वो फिर शायद प्रेजेंट करे पूरे ग्रुप को, तो पूरे समाज को। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैरिज सब आते, फिर बच्चे, यस नो और बोथ, नहीं इसमें तो बोथ नहीं आएगी, है ना, यस और नो, और फिर इसके बाद रीजन आ जाएगा वाई, जहां भी आप जिसमें भी रखेंगे उसमें वाई लगा दें, तो ये एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसको आप शेयर करेंगे, ठीक है। जिसने कर ली वो लोग लिखेंगे कि उन्होंने क्यों की, क्या सोच के किया है? देखो जिन्होंने कर ली है वो तो अपना लाइसेंस रिन्यू करा लेंगे और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि ये भी लिख दे, जो पुराने वाले हैं उन्होंने शादी क्यों की, क्योंकि उसमें आपकी क्या सोच थी, है ना, और बच्चे भी क्या सोच के किए,
बच्चे पैदा किए जाएं इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, शादी क्यों की इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, और आज इतने साल बाद क्या फील करते हैं, आज इतने साल बाद आप क्या फील करते हैं कि जो सोच रहे थे वो ठीक था नहीं था, ऐसा भी लिखिए। हाँ जी स्टार्ट। दस लोग थे, फाइव फीमेल, और शादी के बारे में मोस्ट ऑफ मेल्स तो अग्री करते ही है कि शादी। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ मेल्स तो एग्री करते ही हैं, प्रॉब्लम तो। और दूसरा 60% लेडीज भी अग्री करते हैं, लेकिन एक मत ये है कि लेडीज के लिए मैरिज लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको सब ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और उसका सब एक्सपेक्टेशन जो भी तकलीफ है उससे हस्बैंड पे चला जाता है, तो वहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, तो ज़्यादा थोड़ा बन जाता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। पहले आप अपने ग्रुप में डेटा बताओ कि टोटल कितने लोग थे, कितने लोगों का यस नो बोथ। या 10 लोगों में से 5 बॉयज का यस था, 3 गर्ल्स का यस था, 2 गर्ल्स का नो था, और उसका रीज़न ये था कि भाई लेडीज़ के लिए डिफिकल्ट है लाइफ, मैरिज लाइफ ज़्यादा, हस्बैंड को ज़्यादा बहुत एडजस्ट नहीं करना होता, और गर्ल्स को मतलब पूरा फैमिली पूरा एटमोसफेयर चेंज हो जाता है, और वो प्रोसेस में कई बार हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन होती है वो नहीं पूरी होती, या किसी तकलीफ हो सकती है ऐसा। और दूसरा, परिवार से सुख मिलता है उसमें सबको आशा है कि अगर सुख है तो इसमें मैरिज में आशा तो सबकी बनी हुई है, तो 2-3 लोगों को छोड़ के, और उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि गर्ल्स को ज़्यादा डिफिकल्टी बनती है। और चाइल्ड को भी सबका नज़रिया बहुत ही मतलब बढ़िया है कि भाई ये एक बड़ी प्रोसेस है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सुखदायी काम है, लेकिन 2-3 लोगों को थोड़ा अभी जो समाज की स्थिति है उससे डर लगता है कि अगर जैसे गर्ल चाइल्ड हो गई तो ज़्यादा डरने की बात है, और अगर हमने सब सुख साधन भी अरेंज कर लिया एज अ पेरेंट्स तो भी समाज मतलब जो उसकी रीत बात है उससे थोड़ा डर बना हुआ है कि ये समाज में कैसे बच्चों को बड़ा करें। तो मोस्टली सबका मतलब सुख में तो 100% यस है, सबको करना है, लेकिन मतलब 70% यसी है, और 30% में आशा बनी हुई है कि करना है, लेकिन डर बना हुआ है समाज का। हाँ जी अमित भाई, आपके पास ही डाटा आना चाहिए। 80% यस है, 20% नो मैरिज में, और रीज़न ये है कि गर्ल को ज़्यादा डिफिकल्टी है, और जो चिल्ड्रन की बात है तो उसमें 100% यस ही है, लेकिन एक डिलेमा है वो समाज का डर है थोड़ा जी। और उसमें से 9 लोगों ने कहा है कि करनी चाहिए, और 2 लोगों ने कहा कि करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, मतलब वो बीच वाला कंफ्यूजन वाला था। और 11 लोगों में से कितने लोग मैरिड और कितने अनमैरिड हैं? सर 2 अनमैरिड है और 9 मैरिड है। अब 9 मैरिड क्या बोलेंगे होने के बाद? सर हमारा ग्रुप में मतलब सारे लोग हैं, अनमैरिड है, मैरिड है, और ये सब मतलब मेरी और इनकी मम्मी भी साथ में आई है। बढ़िया बढ़िया, स्वागत जी।
मतलब ऐसा जिनकी हो गई है उन्होंने ऐसा एक अपना व्यू रखा कि जब हुई तब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि करनी चाहिए या नहीं, वो था ही नहीं, था ही नहीं। तो सब करते थे इसलिए हमारी भी हो गई, तो एक कोई थॉट या थिंकिंग इसके लिए भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ चॉइस ही नहीं मिला था। लेकिन अब उनका व्यू ऐसा बन रहा है कि अगर करनी चाहिए लेकिन सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसा व्यू बन रहा है। और जिनकी हो गई है उन्होंने एक मतलब बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए हैं कि शादी में एक लाइफ टाइम कंपेनियनशिप मिलती है किसी की, तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स या जो भी मतलब स्ट्रेस या वगैरह कुछ आता है तो उसके लिए आपके साथ हर वक्त कोई है जो खड़ा रहेगा, तो वो फ्रेंड्स फॉर लाइफ बोलते हैं ऐसा मिलता है। साथ में एक दूसरे की कमी का भी सुधार हो सकता है, तो हमारी एक ग्रोथ के लिए भी शादी करना ज़रूरी है ऐसा। दूसरा कि हमारी जो इमोशनल नीड्स है उसके लिए भी शादी, क्योंकि जो भी हमें रिस्पेक्ट या लव या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए भी एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत रहती है। और जो कंफ्यूजन वाला था उसमें यस में तो यही बोला सबने कि इस वजह से करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ उससे जुड़ी हुई है और अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाती है, इसलिए भी मतलब नहीं करने का वो मन होता है। तो ऐसा बोलते मतलब ऐसा एक व्यू आया कि हमारी इंडिपेंडेंस थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब हम शादी करते हैं, तो हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या जो स्वतंत्रता है वो हमें मतलब अकेले में वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरा एक जैसे इन्होंने बोला वैसा ही एक व्यू आया था कि जो हमारी मतलब जो पैट्रियार्की सोसाइटी है उसमें मतलब अब देखें तो फीमेल करियर ओरिएंटेड भी हो गई है, उनकी भी 9 to 5 जॉब लगती है, तो शादी में जाने से उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले वाली ही उसको फॉलो करनी है, और अपना करियर भी आगे बढ़ना है तो उसकी भी नीड हो गई है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या करियर ओरिएंटेड होना, तो इसके लिए मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ना वो थोड़ा मतलब डर लगता है उसमें, तो ये एक शादी के लिए व्यू था। फिर चिल्ड्रन के लिए ऐसा व्यू था क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने पहले से ही कंटेंट को एक्सप्लोर किया है, तो उन लोगों को ऐसा था कि पहले तो क्योंकि इतनी पोल्यूशन है, इतनी ख़राब जिंदगी हम भी जी रहे हैं, तो क्यों और किसी को यहाँ पे लाया जाए और उनको भी इसमें मतलब ये सब झेलना पड़े। तो एक वो व्यू था, एक जैसे हम परंपरा बनानी है, एक वंश आगे बढ़ाना है, तो वो एक व्यू है, लेकिन उसके लिए जो मतलब जो नए लोग हैं उसका ये भी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है कि इतने लोग तो परंपरा आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो हम एक कम योगदान दे दें तो मतलब कोई उसमें इतनी मतलब आबादी है तो एक कम हो जाएगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो एक ये भी फिर हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं अगर हमें कोई चाहिए तो ये भी व्यू बन रहा है। एक दूसरा ये भी था जिन लोगों की हो गई है और उनकी लाइफ मतलब एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बोला कि हम एक एज के बाद हमें कोई चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा, तो एक ये है। दूसरा बच्चे नहीं करने का भी बहुत सारा ओपिनियन आया था, उसमें ये भी था कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है खास करके फीमेल को अपने करियर का और ये सब, तो इसलिए बेहतर है कि मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले। दूसरा कि एक हो गया है तो वो लोग ये भी सोचते हैं कि एक को भी बहुत अच्छी तरह से हम पूरे नहीं पढ़ रहे हैं तो दो क्यों करें, तो उस पर भी एक व्यू बन रहा था। और जो मतलब बच्चे के ऊपर एक बहुत मोटा मोटा एक ये हुआ था कि हमें लगता है कि हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, अगर बच्चे होंगे तो हमारी इनसिक्योरिटी या कमी की वजह से हम उनको वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए भी सोच समझ के बिना किया जाए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा एक व्यू आया था। तो ये ओवरऑल ग्रुप वी आर 11 एंड 9 आउट ऑफ 10 इज़ कि वो मतलब करनी चाहिए, और दो उसमें कन्फ्यूजिंग स्टेट वाले हैं।
तो ये बात करना है नहीं करना है और एक ने कहा कि नहीं करनी चाहिए, तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे करने और नहीं करने में, तो करने में एक आता है कि उम्र हो रही है इसीलिए कर लो, या एक रिवाज या कल्चर बन गया है कि शादी करनी चाहिए इसलिए करना, और कुछ तो कॉमन पॉइंट्स है सबके कि सबको लाइफ के लिए कंपेनियनशिप चाहिए। एक मिनट, बोल पंखे की आवाज़ ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है? तो खुशी चाहिए थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। उधर गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये। चलिए चलिए, गर्मी लगेगी फिर चालू कर ले। कंपेनियनशिप लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए लाइफ में आगे जाके, कंपेनियन की जरूरत पड़ती है इसलिए। स्टेबिलिटी चाहिए इमोशनल फिनेंशियल मेंटल ये एक, और जिनने शादी करनी है उनके कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आए। एक ने कहा कि मतलब भैया का कहना था, पारस वैसे जो बात हुई उनका कहना था कि पति पत्नी का संबंध ऐसा है जिसमें आप समानता से जीते हैं, तो उस संबंध में आपको अपना अधूरापन दिख पाता है कि आप कहाँ इनकम्प्लीट हैं, तो आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। और एक है कि अगर सही पॉजिटिव लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आप लाइफ के लिए जो भी सोच रहे हैं उसमें बहुत वो उपयोगी होते हैं और सहयोगी होते हैं। और वही मतलब और कह रहे हैं कि शादी करने से बाकी संबंध भी कई बार अच्छे हो जाते हैं ये। और नहीं करने के लिए आ रहा है इनफिडेलिटी रीज़न, अभी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हो रहे हैं वो एक रीज़न है नहीं करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, जो शादियों में अभी ज़्यादा आप सुनने में आएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं शादी नहीं करने के जो रीजंस हैं। शादी के पहले कि शादी के बाद? शादी के बाद। और वही ट्रस्ट इश्यूज, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और किसी और का इंटरफेरेंस नहीं पसंद है लाइफ में, और कुछ पुराने रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ना, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि माता पिता से छूटने का मन कम हो उस तरह का अटैचमेंट, और एक व्यू ये आया कि आजकल शादी के बाद माँ बाप से अलग रहना पड़ता है लड़कों को, वो अलग हो जाते तो वो नहीं पसंद है इसलिए शादी नहीं करना। और बच्चे करने या नहीं करने पे सबका व्यू, सात लोगों का व्यू यस था और मेरा व्यू नहीं था, तो नहीं का मैं बता देती हूँ ये है कि अभी मुझे खुद का नहीं पता है, शादी को लेके कन्फ्यूजन है, तो मैं बच्चे तक अभी सोच ही नहीं पा रही वो रीज़न है। और जो बच्चे करने चाहिए उसके लिए इनका आया कि माता पिता के रिश्ते और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चा होने के बाद, परिवार में खुशी का माहौल आता है, और एक है कि बायोलॉजिकल साइकिल भी होती है फीमेल्स की कि आप 30 के पहले बच्चा कर लो, तो ये भी कई बार रीज़न हो जाते हैं बच्चा पैदा करने का। और ये है कि बाकी बच्चे के आ जाने से माता पिता के बीच की कॉन्ट्रोवर्सीज में वो कई बार हेल्प कर देते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और बाकी माता पिता के अलावा बाकी संबंध में घर के संबंध भी बेटर होते हैं बच्चा आने से, या हम खुद ही फील कर पा रहे हैं कि मेरा भतीजा है, उसके बाद रिश्ते काफ़ी और स्मूथ हो गए पहले से। बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर जो 14 जने का ग्रुप है हमारा, उन लोगों के ग्रुप के जो व्यू है मैं आपको देती हूँ, शादी करनी क्यों चाहिए, दो जनों ने खाली ऐसा बोला कि नहीं करनी चाहिए, बाकी सभी क्या यस है कि करनी चाहिए। सभी ग्रुप में दो ही क्यों निकलते हैं? उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिए कि क्यों करनी चाहिए सर जी। और मैं पॉइंट बता रही हूँ जो हम लोगों ने कंक्लूजन किया है कि करनी चाहिए, एक धर्म संस्कार के हिसाब से कि जो परंपरा चली आ रही है सालों से उसके लिए, फिर अपने खुद को अपने से ज़्यादा समझने के लिए अपने एक पार्टनर की जरूरत होती है, बराबर। रियल हैप्पीनेस जो है लाइफ की, कि अपन को पता नहीं कि अपन जो जिंदगी जिंदगी जी रहे हैं उसके लिए खुश क्यों है, उसके लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए रहता है, उसके लिए शादी करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का विभाजन हो जाता है जब शादी करते हैं अपन,
तो अपनी जो जिम्मेदारियाँ जो रहती है बहुत सारी बढ़ जाती है, जो मैं खुद के अनुभव से कह पा रही हूँ कि सही में बढ़ जाती है। और दूसरे जीवन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं कि जो अपन पहचानते हैं वो अपने से ज़्यादा अपन को पहचान पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी करने के बाद ये होता है, रिजल्ट अच्छा निकलता है। फिर शहर हर कंडीशन में एवरी कंडीशन सपोज जो दुख हो सुख हो कि कोई भी अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से अपन डिसीजन ले पाए उसके लिए शादी करनी चाहिए, जो हमारे ग्रुप के डिसीजन ही। और उसके बाद जो है बच्चा पैदा क्यों करना चाहिए बराबर है, तो एक आनंद का माहौल घर में रहे ये डिसीजन है। फिर खुश हैप्पीनेस फैमिली रहे और बच्चे के पीछे सार्थक जो है कि अपना एक स्वार्थ रहता है कि भाई अपने पेरेंट्स को अपन बड़ा ध्यान रख रहे हैं, तो अपन को भी यही रहता है कि अपन जो बच्चे पैदा करेंगे तो अपने पीछे भी यही रहेगा कि कल अपन बूढ़े होते हैं अपन अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करेगा, अपना ध्यान रखेगा। और ये भी जो परंपरा है कि ये सदियों से चली आ रही है युग परंपरा है कि अपने पीछे जो है वो बच्चे होने चाहिए कि संस्कार ही होने चाहिए जो अपने धर्म को आगे बढ़ाए, वैसे बच्चे पैदा करें इसके लिए बच्चे में जो अपने साथ में अपने संस्कार और बच्चे बढ़े आगे बढ़ाए संस्कारों धर्म को आगे बढ़ाए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो अभी खुद ही शोर नहीं है कि उनकी शादी भी नहीं है, चार जने की शादी नहीं है, उनको शोर नहीं है कि बच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और दो जने ऐसे कि जिनको कैरियर के ओरिएंटेड फीमेल है वो सोच रही है कि भाई शादी करने से हमारा कैरियर बिगड़ जाएगा, जो मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरे 25 साल पूरे हो गए, 26वां साल चल रहा है शादी को, तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि कैरियर बिगड़ता है और शादी करने से कुछ खराब होता है, सब ठीक चल रहा है, बराबर चल रहा है लाइफ में बराबर। बहुत बढ़िया शानदार। कि बच्चे एक ही होना चाहिए, दो तीन के बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये कोरोना काल जो अभी गया ना उसमें हम हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ पे एक बात उभर के आ रही थी कि एक ही बच्चा होता है तो लाइफ में या घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको भी जवाबदारी वहन करने की पोजीशन नहीं रहती है। दो तीन भाई बहन होते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड हो जाती है। ये जब मुश्किल आती है लाइफ में हॉस्पिटल जैसी कोई, तो ये कोरोना काल में ये एक बात तो उभर के आ रही थी बार बार। हम लोग जब हॉस्पिटल में सोशल वर्क करने के लिए जाते थे ना तो कि हमारा तो सिर्फ एक ही बच्चा है, अब वो हॉस्पिटल आए कि जॉब करे कि बिजनेस करे कि उनके भाई बहन है नहीं, होते तो अच्छा होता। ठीक है, ये मुश्किल में ये याद आता है लोगों को। अच्छा, काफी सारे अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। हाँ जरूर, कपल्स को मिलने से भी ये बात निकल के आ रही थी कि बच्चा करने से हमारा भी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है आपस में, हम दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है पर हमारा बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बात बढ़िया, थैंक यू। हमारा 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 7 मैरिड है और 1 अनमैरिड है। अभी मैरिज को लेके 8 में से 7 लोगों का ऐसा मानना है कि मैरिज करना ही चाहिए और एक जो अनमैरिड है उनका ऐसा मानना है कि हो तो भी अच्छा है और एक उनका एक दो पॉइंट ऐसा कंसर्न भी है कि ना वो ना होने में उनका ऐसा रीज़न है कि लॉस ऑफ फ्रीडम, उनका ऐसा सोचना है कि भी मैरिज होने से अगर जो सामने वाला पात्र अच्छा नहीं आया तो अपनी फ्रीडम लूज हो जाती है। और दूसरा उनका नो कहने का रीज़न ऐसा है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट की वजह से एंजाइटी बढ़ जाती है और स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। बाकी 7 लोगों का ऐसा मानना है कि मैरिज तो करना ही चाहिए। उसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए एक ऐसी व्यक्ति मिल जाती है अपने को, जैसे सबने बताया कि भी फीलिंग शेयर करने के लिए। दूसरा, बाय मैरिज वी हैव वन पर्सन फॉर टेकिंग रिव्यूज, कि भी फीलिंग्स तो शेयर करते लेकिन रिव्यूज कि मैं जो कर रहा हूँ वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो वो क्या क्लियर कट रिव्यू दे सकते हैं अपना खुद का जो स्पाउस होता है वो। और साथ साथ दोनों का ग्रोथ भी होता है इमोशनल और मेंटल। एक दूसरी बात यह है कि डिसिप्लिन लाइफ आ जाती है, बिना मैरिज के तो आदमी कहीं कहीं कैसी भी लाइफ जीत लेता है लेकिन एक बार साथ में रहने का है साथ में जीने का है तो लाइफ में भी डिसिप्लिन आ जाती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल लाइफ की जगह को एग्जिस्टेंस में जीना है एज ए ह्यूमन बींग, कि भी मैरिज कर लिया साथ में किसी के साथ जीते तो एक को एग्जिस्टेंस का माहौल है
अच्छा फीलिंग आता है। और दूसरा कईयों का मानना ऐसा भी है कि एक सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर है अपना, इसलिए मैरिज करनी चाहिए। किड्स के बारे में सबका ऐसा मानना है कि किड्स तो आठ में से आठ लोगों का ऐसा मानना है कि किड्स तो होने ही चाहिए। उसमें भी मोटा मोटी सोशल स्ट्रक्चर एक कंप्लीट फैमिली लाइफ के लिए कि भाई चलो बच्चे हो गए तो फैमिली लाइफ एकदम कंप्लीट हो गई अपनी। दूसरा बच्चे खुशी का एक अनमोल स्रोत होता है कि भाई बच्चे आ गए तो कहीं भी कुछ डिप्रेसिव मोड में है या स्ट्रेसफुल मोड में है अपने, तो बच्चों के साथ अपने खुद के बच्चे के साथ रहेंगे तो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, खुशी मिलेगी अपनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने किड्स को हम अच्छे संस्कार देंगे तो एक अच्छी समाज व्यवस्था में हम भी उसके भागीदार होंगे, अपने बच्चों के जरिए एक अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। वन मोर थिंग इज दैट इवन आफ्टर अवर डेथ अवर लेगेसी शुड बी कंटिन्यूड कि भाई चलो ये एक्स वाई जेड पर्सन की डेथ हो गई, उनका फैमिली अभी ये उसका बच्चा है, ये जो भी हमने अच्छा बुरा जो भी किया है वो लेगेसी कंटिन्यू होती है। और दूसरी एक सोच ऐसी भी है कि जो कुछ हम अपने लिए ना कर पाए किसी भी वजह से वो अपने बच्चों में देख के बच्चों के साथ हम वो कर सकते हैं। और इन लास्ट वन इज दैट इन केस ऑफ किड्स ऑल्सो को एग्जिस्टेंस कि भाई इंडिविजुअलिटी की जगह एक साथ में जीने का माहौल होगा तो अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटी यही है, मतलब आठ में से सेवन लोगों का मानना है कि मैरिज करने चाहिए और एक डायलेमा में है यस और नो, दोनों में उनकी सोच। और किड्स में तो आठों आठ ऐसा सोच रहे कि किड्स तो होने ही चाहिए, शादी हो ना हो किड्स तो होने चाहिए। किड्स होने चाहिए तो मतलब शादी तो करनी पड़ेगी उनको भी। ओके थैंक यू सर। मैं हिम्मत नगर से हूँ। हमारे ग्रुप में टोटल 9 जन हैं, इसमें से 6 फीमेल और 3 मेल हैं। पहला क्वेश्चन, शादी करनी चाहिए, उसमें 3 फीमेल का है यस है और 2 मेल का यस है, पर क्यों करनी चाहिए? कि मित्रता मिलती है, कंपेनियनशिप मिलती है, इसके लिए करना चाहिए। दूसरा, सोशल लाइफ और सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है शादी करने से, नहीं तो कोई घर भाड़े पे नहीं देता। क्या बोले? शादी की होती है तो घर भाड़े पे मिलता है, नहीं तो नहीं। आदमी पे देखो कोई भरोसा है ही नहीं, समाज का भरोसा लेडीज के साथ, लेडीज के साथ है। और तीसरा, अपनी तीसरा है अपनी फिजिकल नीड्स भी उसमें वहन होती है और फैमिली लाइफ भी उसमें सेटिस्फाइड रहती है, और पूरी लाइफ अकेले नहीं जी सकते। और छठा पॉइंट है, मॉरल सपोर्ट मिलता रहता है एट एनी टाइम जिस यस मैरिज में। और सेकंड है, मैरिज नहीं करना चाहिए और कंफ्यूजन है क्यों करना है पर क्यों नहीं करना है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है। इसमें 3 फीमेल का ओपिनियन है और 1 मेल का, मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कंफ्यूजन है। और क्यों कंफ्यूजन है वो भी थोड़ा लिखा है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है मैरिज के बाद। और सेकंड है, एंजाइटी ऑफ लूजिंग खुद की आइडेंटिटी, उसमें लॉस्ट होने का एंजाइटी रहता है। और तीसरा है ट्रस्ट इश्यू। और चौथा है, एक परफेक्ट पार्टनर ना मिले तो क्वेश्चन मार्क है, फियर ऑफ फियर है उसमें। और तीसरा प्रश्न के बच्चे करने चाहिए यस, उसमें 2 फीमेल यस है और 1 मेल यस है ओपिनियन। क्यों यस है कि फर्स्ट पॉइंट है कि एक वारिसदार मिल जाता है, वारिस मिल जाता है, एक वारिस मिलता है, लाल किला बनाए ना। और दूसरा पॉइंट है, एक फैमिली जॉय मिलता है
बच्चे से आने से एक फेमेल बढ़ता है और उसका आनंद रहता है। तीसरा पॉइंट है कि बच्चे के बिना क्या जीना है, ऐसा नो लाइफ विदाउट चाइल्ड। और चौथा पॉइंट है ट्रांसफर इंटेलेक्चुअल लेगेसी एंड एम्पावर ह्यूमैनिटी, कि हमारा जो विचार है वो आगे हम उसको भी दें और जितनी मानवता है उसको सशक्तिकरण कर सके। ये थर्ड पॉइंट है। और ये फोर्थ पॉइंट, तो बच्चे क्यों नहीं करने चाहिए, उसमें पांच फीमेल का अभी वो शादी का भी कंफ्यूजन है तो बच्चे का भी कंफ्यूजन ही है, और दो मेल का भी सेम इश्यू है कि शादी का कंफ्यूजन है तो बच्चे का भी। सात लोग कंफ्यूजन की तरफ है या नहीं की तरफ? कंफ्यूजन की तरफ, नहीं की तरफ कोई भी नहीं है। अच्छा। और फियर ऑफ नॉट कन्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे का जो जवाबदारी है वो शायद हम कर पाए ना कर पाए, ऐसा कन्फ्यूजन है। और दूसरा है कि लेडीज के हिसाब से, उसको को बच्चा पैदा होता है तो फिजिकल पेन ज़्यादा होता है इसलिए नहीं करना है, ऐसा हो सकता है। हाँ। ये विचार मुद्दे हैं। थैंक यू जी। हमारे ग्रुप में 8 लोग थे, उसमें 6 फीमेल्स हैं, फीमेल थी और 2 मेल थे। वो दोनों लोग मेरिड है और 6 लोग अनमेरिड है। तो जो मेरिड है हम लोग, हमने जो मेरिड क्यों करना चाहिए, ये जो 6 लोग है जो अनमेरिड है उसमें 4 लोगों की शादी नहीं करना चाहिए इसी राय है, और 2 जो फीमेल मेंबर यानी कि लड़की लोग है उसको शादी का कन्फ्यूजन है, और हमने तो सही हो गए दोनों। 4 नहीं में 4 कन्फ्यूजन में, 4 कन्फ्यूजन में, 2 को नहीं कर, 4 को नहीं करना है, 4 को नहीं करना है, 4 कन्फ्यूजन में, नहीं कन्फ्यूजन में नहीं, अभी तो सही हो गए दो तो। अच्छा। यस 8 में 2 ही शादी शुदा है, 2 लोग है बराबर, 2 लोग यस में है, 4 लोग ड्यूअल नहीं है, 2 लोग ड्यूअल में और 4 लोग ना बोल रहे हैं। शादी क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला तो वही है कि वो सबसे अच्छा पवित्र रिश्ता है, और मॉरल सपोर्ट मिलता है, और फिजिकल और इमोशनल नीड्स फुलफिल होती है, फिर अपनी फीलिंग्स शेयरिंग कर सकते हैं, वो ट्रस्टेड पर्सन माना जाता है, सबसे जो अच्छा रिलेशन होता है, तो आप सभी बात उसके पास रख सकते हो और उससे गाइडेंस भी ले सकते हो, और लोनलीनेस नहीं लगता है। अच्छा। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा ही है, और जो भैया का शादी हुआ है वो भी बोल रहा है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो हिसाब से अभी उसकी शादी नहीं चल रही है, तो और ये 4-6 लोगों को तो शादी का भी कन्फ्यूजन ही है, 4 को तो करना ही नहीं है और 2 को तो कन्फ्यूजन है, तो वो उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। फिर भैया को ऐसा भी लगता है कि शादी करने का तो डिसीजन लिया था वो टाइम पे सही लिया था, वही एक्सपेक्टेशन से किया था, लेकिन अभी फुलफिल नहीं हो रही है, तो अभी उसको अपनी ज़िंदगी का बर्बादी लगती है थोड़ी, ये ऐसी बात हुई है, ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया, ज़िंदगी का बर्बादी हो गई है, बर्बादी हो रही है ऐसा 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 लगता है। ऐसे लोग को सुन के आपको प्रभावित नहीं होना है। नहीं नहीं सर, ऐसा जो बात हुई वही बात नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कह दिया हम भी तो कुछ कह ही सकते हैं। फिर अपने को बच्चे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम जो दोनों मेरिड है वो सोच रहे हैं कि बच्चे तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल कोर्स में होता है, और बच्चे जो होता है शादी के बाद उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे बच्चे को जन्म दें और वो नेशनल बिल्डिंग में, और हाँ बच्चे मतलब CSR एक्टिविटी ऐसा नहीं, लेकिन सर वो उसको भी अच्छे संस्कार दो तो अच्छा इंसान बनेगा, तो वो देश को आगे लेके जाएगा ना, नई जनरेशन तो लाना ही पड़ेगा ना सर, इसलिए
वाइफ। हाँ, और बच्चे होने से कुटुंब में अच्छा लगता है सभी को, और अपना जो थोड़ा टेंशन होता है या एंजाइटी होती है वो भी कम हो जाती है उसको मिलने से, उससे के साथ खेलने से, ऐसी बात हुई है। और हस्बैंड अपना टेंशन वाइफ को दे दे, वाइफ हस्बैंड को दे दे, दोनों मिलके बच्चे को दे सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वो तो उसको समझ के लिए आए हैं यहाँ पे। नहीं, वो चार लोगों से यानी मैरिज नहीं करने का विचार है, और दो लोगों को अभी कन्फ्यूजन है वो। हमारे ग्रुप में कुछ लोगों को शादी नहीं करनी है बट एडॉप्शन करना है। आपको भाई वो बात नहीं बाकी रखी है तो जिसको बोलना है वो बोल, आप किसी को बोलना है एडॉप्शन के लिए अच्छा सर, अपना बनाने की बजाय रेडीमेड ले लो। इन 12 में भी 7 अनमैरिड वीमेन है, सो थोड़ा मंतव्य विमेन सेंट्रिक हो सकता है हमारा। एंड 3 मैरिड हैं और 2 एंगेज हैं। अब जो शादी का जो स्टैट मतलब ये यस एंड नो का स्टैटिस्टिक्स ये है कि 7 लोगों को मैरिज यस है, 4 लोग कंफ्यूज हैं, मतलब यस एंड नो दोनों हैं, 1 है जो नहीं ही मैरिज नहीं होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। एंड बच्चों में ऐसा है कि 9 लोग हैं जिनको यस है बच्चे होने चाहिए, और 3 लोग हैं जिनको बच्चे नहीं होने चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। अब बात ऐसी है कि ज़्यादातर शादी ना करने की रीज़न ये है कि हमारी आइडेंटिटी लूज हो जाती है एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज वीमेन है, एंड वीमेन को ज़्यादातर दूसरे घर में जाना होता है तो उनका आइडेंटिटी लूज हो जाता है, उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। एंड मैन को वैसे कुछ खोना होता नहीं है, सो यूजुअली मैन विल ऑलवेज बी ओके विद अ मैरिज बिकॉज उनको घर कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन घर लड़की को घर छोड़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बोलती हैं मुझे मेरे पेरेंट्स का घर नहीं छोड़ना है। उसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अपना घर आपका रहता ही है, दूसरे पे भी जाके आप कब्जा कर लेते हो। देखने का नजरिया है सर, यही बात है। एंड लड़कियां हैं तो फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जॉस्टिव एक्सपेंसिव है, एंड जो हाँ बोल रहे हैं वो इस वजह से बोल रहे हैं कि इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एक फ्रेंड फॉर लाइफ हो जाता है। शायद हम हमारे हस्बैंड को इतना सारी बातें शेयर करें ना करें, लेकिन बच्चों के साथ डेफिनेटली शेयर हो सकती है। एंड बच्चे बिकम बहुत सारे, जैसे लोगों ने बोला है कि दे बिकम अ सोर्स ऑफ, एक ब्रिज बन जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जिन्होंने हाँ बोला है वो ये है, और जो ना बोला है वो इस वजह से ना बोला है। शानदार। एंड एक और माइंड ब्लोइंग आइडिया हमको यहाँ पे हमारे ग्रुप में मिला है कि शादी नहीं करनी है अभी फिलहाल क्योंकि हमारा करियर हमारा जो भी है, लेकिन अगर बाद में हस्बैंड एडॉप्शन की भी एक सुविधा हो जाए तो लेटर ऑन इन लाइफ हस्बैंड एडॉप्शन हो सकता है। तो एंगेज्ड, एक डिवोर्स्ड एंड बाकी 2 थोड़े ज़्यादा आध्यात्मिक पाथ पे है। तो उसमें 7 में से 3 का ऐसे था कि शादी करनी चाहिए और 4 का था नहीं करनी चाहिए। नहीं करने के रीज़न ये थे कि डिवोर्स हो गया था तो अब दूसरी बार कैसे भरोसा कर सकते हैं। दूसरा ये था कि सामाजिक काम कुछ करना है इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, और बाकी एक ये था कि आध्यात्मिक एक जो होता है कि शादी से जो भी मिलता है वो सारा मैं अपना खुद का कर सकता हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा अब क्यों शादी करूँ, और आध्यात्मिक रास्ता भी अपना लिया हुआ है इसलिए नहीं करनी। बच्चे के लिए तो अभी शादी नहीं करनी तो सोचा ही नहीं था हमारे ग्रुप में किसी ने, हमने करी है और बच्चा भी है तो हम बोल सकते कि हाँ बच्चा करना चाहिए, पर उसमें भी ये है कि समझ है उसके बाद करो तो बच्चा करना चाहिए, और हमारे केस में ऐसे था कि बच्चा है और साथ में अब हम समझ के लिए भी, तो उसके लिए भी
एक फोर्स बढ़ जाता है अगर बच्चा आ जाता है लाइफ में कि अब समझदार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी खुद की गलतियाँ वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वहाँ ज़्यादा दुख होगा जब बच्चा हम करें वही गलतियाँ करेगा। तो मोटा मोटा ये था जी, बात बढ़ी। यही था कि ये लड्डू है जो बूर का होता है, खाए तो बचता है, नहीं खाए तो बचता है, खा के बचता है, इसलिए शादी कर ली। और वो हो जाती थी शादियाँ, तो अब क्या सोच के करी वो पूरा हुआ नहीं हुआ मालूम ही नहीं पड़ा, जिंदगी के 40 साल शादी के गुजर गए, ये भी एक सर पैदा। पर ये शिविर करने के बाद जिंदगी दोबारा शुरू हुई है कह सकता है। धन्यवाद, बहुत शानदार। सभी आए पधारे, सबका धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद मानव कर्म दर्शन बाजू के हॉल में चालू होंगे, तो जो अजय भाई के साथ अजय भाई भी आए हुए हैं, तो बाजू के हॉल पर मानव कर्म दर्शन के लिए हम बैठेंगे और मैंने सब यहाँ बैठेंगे। जी, मैं सबका परिचय करा दूँ। ये पूरा एक दर्शन है, एक अनुसंधान है। जिन भी लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में जिनको लोग सफलता बोलते हैं उन सबको पाने के बाद भी कहीं ज़िंदगी में कोई खालीपन लगता ही है, तो ज़िंदगी की तलाश में हम बहुत सारे ऑप्शन देखते ही हैं और संयोगवश जिन लोगों ने इस ऑप्शन को देखा है, ट्राई किया है, तो देश भर में हम सभी लोग और देश के बाहर भी इसको एक परिवार विधि से शेयर करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई बिजनेस या मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं होती है। तो हम सभी लोग अपने अपने परिवार में स्वावलंबी रहते हुए, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हुए, हमको लगता है कि हमको कोई चीज़ बढ़िया मिली है और अपने भाई बहनों के साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग नाम पे, कभी हैप्पी मैरिज के नाम पे, कभी जीवन विद्या शिविर के नाम से इसको, जिन लोगों को लगता है कि उनको ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में उनको आराम मिला है, तो पूरा समझने के लिए फिर प्रोसेस एक आगे चलता है जिसमें लगभग 12 बुक्स हैं और उसके दो डिज़ाइन हैं। एक डिज़ाइन है कि 6 महीने में कंटिन्यूसली एक साथ, एक दूसरा डिज़ाइन है कि 2 साल तक हर 2 महीने बाद एक एक वीक के लिए लोग आते हैं। तो अभी यहाँ पर 2 शिविर होने वाले हैं, एक शिविर आपका चलेगा ही, एक शिविर साथ में पुराने लोगों का चलेगा, जिसमें कर्म दर्शन, कर्म करने का इम्पोर्टेंस क्या है और कर्म किसको बोलते हैं, जैसे अभी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट बुक है। उसके वैसे उस पर हमारे मित्र अजय जैन जी यहाँ पे हैं, जो 25 साल पहले करीब IIT दिल्ली के पास आउट हैं और अभी फुल टाइम इस बात को समझने जीने के प्रयास में लगे हैं, तो एक सत्र को संचालित करेंगे। तो अजय भाई को माइक दे दें। बहुत अच्छे पॉइंट है और मुझे लगता है कि शायद सिमिलर एक्सरसाइज हम लोग लास्ट डे भी करेंगे, तो पता चलेगा क्या शिफ्ट हुआ है ना विचारों में। और ये बहुत ही खूबसूरत अनुसंधान है, जैसे सोम भाई ने बताया, मैं जब पढ़ता था है ना, लगभग 20 वर्ष की आयु के, इसमें बहुत सारे बच्चे उस एज के दिख रहे हैं 20 से 25 वाले, तो उसमें एक है ना इस दर्शन के प्रणेता के साथ मिलने का सौभाग्य मिला, तो खूब बढ़िया। और हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे इस दौरान। और जैसा सोम भाई ने बताया, कुछ सीनियर लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ने आते हैं ना उनके साथ, नए लोगों के साथ, तो ऐसा डिसाइड किया कि हम दूसरा वो पूरी तरह हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ गोष्ठियों में है ना। बीच में तो एक ये भी ज़रूरत रहती है कि सीनियर लोग एज ए फैसिलिटेटर गोष्ठी में रहें, तो वो लोग हम लोग आपके साथ बीच बीच में आएंगे और साथ में हम लोग एक पैरल अपना कर्म दर्शन भी रखेंगे। तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से आप लोगों को एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी सोम भाई का 5 दिन 7 दिन का, ये तो बहुत छोटा सा 5 दिन का, तो ये 5 दिन आपके ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 5 दिन होंगे, ये तो पक्का है। खूब खूब शुभकामनाएं। कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज डेफिनेटली वैरायटी ज़्यादा थी, टोटल नौ ग्रुप थे, टोटल अराउंड 77 लोग सब ग्रुप्स का इकट्ठा होके ऑडियंस थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैरिज यस या नो, जी एक मिनट, अमित भाई जो बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आपके लिए ये यूजफुल डाटा है। पहचान दे देता हूं, अमित मेहता बापी से आया हूं मेरी वाइफ के साथ, और मैं एक एजुकेशनल NGO हेड करता हूं जिसका नाम माँ फाउंडेशन करके है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द समरी अराउंड मैरिज, जो मोस्ट प्रोबेबली डिबेटेबल पॉइंट होगा, मैं बोलूँगा कि ये एक जेंडर और एज स्पेसिफिक इशू थोड़ा ज़्यादा लगा। जेंडर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेल यस ही बोलेंगे, उनके लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस,
इट इज़ अ मैटर ऑफ कम्फर्ट, उल्टा और एक एडिशनल हेल्प करने वाला आ जाता है एज, क्योंकि काफ़ी सारी यंग गर्ल्स जो है, जैसे हमारे ग्रुप में भी काफ़ी गर्ल्स थी, उनको उन्होंने काफ़ी कुछ दोनों साइड का देखा हुआ है. सो यंग गर्ल्स हैं उनको दे आर एट द ड्यूअल साइड. ड्यूअल साइड वाले जो मेजॉरिटी थे, मैं बोलूँगा अराउंड 25-30% ड्यूअल साइड वाले होंगे ओवरऑल में, वो ड्यूअल साइड वाले मेजॉरिटीली वो यंग गर्ल्स होगी जो प्रॉबली 19-25 एज ग्रुप की होगी. और मे बी 10% ऐसे लोग थे जिनको मैरिज, 10 भी नहीं बोलूँगा मैं, 5-8% होंगे जिसको मैरिज नहीं ही करो 100%, वो वैसे वाले थे. उसके रीजंस अगर मैं बोलूँ, मैरिज यस के, लाइफ टाइम कंपेनियनशिप, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्रिटिक या एक रिव्यूअर मिल जाता है जो हमको शायद हमारे खराब अच्छे अगली पार्ट भी दिखाएंगे और ग्रोथ के तरफ हमको मोटिवेट भी करेंगे. अनबायस्ड आई वुड से वो रिव्यू मिलता है. दूसरी बाजू कुछ लोगों ने बोला उससे डिसिप्लिन या रूटीन भी आ जाता है. डिसिप्लिन से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो रूटीन कहने की बात कर रहे हैं. और एक कोएग्जिस्टेंस वाला बात आ जाता है, आई थिंक वो एक आ जाता है कि साथ रहना, साथ करना. दूसरे यस के मेजर पॉइंट्स थे एक सोशल और एक कल्चरल स्ट्रक्चर में, ढांचे में भी हम लोग बैठ जाते हैं अगर वो मैरिज में जाते हैं तो. सोशल एक्सेप्टेंस हो जाता है, फिजिकल और इमोशनल नीड्स भी सेटिस्फाई होते हैं. तो मैरिज यस के वो थे. और मैरिज नो के तो जैसे मैंने बोला वो नो नहीं बोलूँगा मैं, कन्फ्यूज वाले जो हैं उन्होंने गुड साइड बैड साइड भी देखे हैं. उसमें जॉइंट फैमिलीज में कुछ शादियाँ जा करके क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या होता है, कुछ लव मैरिजेस में क्या इम्पैक्ट होता है, वो स्पेक्ट्रम उन्होंने काफ़ी देखा हुआ है. सो वो काफ़ी कन्फ्यूज वाले यंग एज ग्रुप है. और जो 10% डेफिनेटली नो जैसे हैं, उसमें है कि इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लूजिंग योर आइडेंटिटी. हमने जो हमारी 20-25 साल में बनाई वो आइडेंटिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. करियर के बारे में इनसिक्योरिटी, क्योंकि करियर बनानी है बट शादी के बाद काफ़ी लोगों को करियर बंद करते हुए, कम करते हुए देखा है. कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना है कि क्यों लड़कियों को ही घर छोड़ना पड़े. इनफैक्ट हमारे ग्रुप में ऐसा भी आया था कि ऐसा रूल ही होना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों शादी के बाद कंपल्सरली अलग रहे. ऐसा रूल हो तो इक्वालिटी है. आई मीन इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, बट नो इंटरफियरेंस. काफ़ी लोगों को अभी वो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल पसंद आ गई है, जज गई है और शादी करके वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है. नो इंटरफियरेंस. कुछ लोगों की इनफिडिलिटी मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब जो कॉम्प्रोमाइज़ देख रहे हैं हम लोग आजकल, स्पेशली मीडिया में तो आमतौर पे दिखते हैं, वैसा वाला जो समाज में अभी घुस रहा है. फिर स्ट्रेसफुल लाइफ बिकॉज ऑफ इनकॉम्पेटेबिलिटी. जैसे यहाँ मेजॉरिटी लोग बोलते हैं कॉम्पेटेबल आदमी मिल जाता है उसमें मुझे शादी करनी है, बट दूसरी बाजू इनकॉम्पेटेबल कंपेनियन मिल गया तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है और उसमें हमको शादी नहीं करनी है. वो डर से या वो एंग्जाइटी से हमको शादी नहीं करनी. सो मोटा मोटा इट्स आई वुड से 60% यस, 30% ड्यूअल, 10% प्रोबेबली नो एज ऑन डेट. इट कैन चेंज आफ्टर 5 डेज. और दूसरी जो क्वेश्चन था बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, उसमें आई वुड से अराउंड 80% आर यस, 20% आर नॉट नो. मगर आप उसमें से 10-15% पक्का नो टाइप है बट कन्फ्यूज भी है. नो एंड कन्फ्यूज का मैं 20% बोल पाऊँगा क्योंकि किड यस के क्या है, थोड़े सेल्फिश रीजन भी है कि बच्चे होंगे तो वही हमारे ओल्ड एज में टेक केयर करेंगे. दूसरी बाजू ऐसे भी रीजंस है कि जेन्युइन हैप्पीनेस और स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बच्चे चाहिए टू पास ऑन योर गुड जीन्स जो हमारे में है. बच्चे होने से कपल्स में शेयरिंग हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और एक संबंध सुधर जाता है कपल्स का, बेटर बॉन्डिंग अमंग्स कपल्स, बेटर सोसाइटल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का एक अच्छा मे बी और ज़्यादा अच्छा ढांचा बनता है.
लेगेसी कंटिन्यूज और या इंटेलेक्चुअल कैपिटल पासिस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फैमिली जॉय, और दीज आर द मेजर रीजंस जिसके लिए बच्चे होने चाहिए. यस करके जो रीजंस आए थे, नो जो था, अगेन इसमें नॉट टू साउंड जेंडर बायस्ड बट इसमें मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़े फीमेल्स का था, वो भी एज ग्रुप कॉम्बिनेशन बट मोर यंग आई वुड से, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका परसेप्शन है कि बच्चों लेडीज को वुमेन विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, उसने बहुत सारा सेक्रीफाइसेस हमको करना पड़ेगा चाइल्ड रेजिंग में, एंड काफ़ी लोगों ने नॉट थॉट ऑफ मैरिज, तो बच्चे तो बात की बात है, तो हमने तो वो सोचा ही नहीं है. कुछ और पॉइंट्स आए थे, फिजिकल पेन ऑफ लेबर या फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ऑलरेडी ससुराल संभालो, हस्बैंड को संभालो, और उसके ऊपर एक एडिशनल अभी बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सो फियर ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली ये मेजर रीजंस थे नो बोलने के लिए. सो मोटा मोटा इट्स मोर ऑफ 80% यस, 20% कन्फ्यूज स्लैश नो. ये मेरा एक समरी है इस दोनों पॉइंट्स के बारे में. आप उसको ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो या किसी और को कुछ पॉइंट्स बोलना है, मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है, तो आई एम फ्री टू करेक्शन. थैंक यू. बताइए कैसा लग रहा है. देखिए एक समय वो हम सबको याद है जब ये क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता था कि शादी क्यों करना. एक ऐसा करो, आगे तो आप भी आप बार बार आपका ध्यान जाएगा बच्चे की तरफ, पर बच्चा तो करेगा ही है ना, तो या तो ये भी कर सकते हो कि गद्दा आराम से पीछे डाल दो, ताकि आप वो तो कुछ ना कुछ करेगा, देखो बच्चा है वो तो बच्चा ही, तो पीछे गद्दा ले लो आप. कि एक समय था, और अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज की स्थितियाँ ऐसी कब से रहीं, क्योंकि एक शादी जैसी बड़ी घटना के बारे में भी हमारा बाय डिफॉल्ट हम मान रहे हैं कि एक एज आने के बाद शादी होती ही है, शादी होती है तो बच्चे होते ही हैं, और आस्था परंपरा से आस्थाओं से जिस तरह के सांस्कृतिक और पारिवारिक ढांचे बने रहे उनके चलते महिलाओं की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको स्वीकार नहीं होता है, वो उनको झेलना ही होता है. और तमाम समाजों में मुझको जब मैं गुजरात को देखता हूँ थोड़ा लिबरल समाज दिखाई देता है, राजस्थान नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं तो और ज़्यादा मेल डोमिनेटेड और उस तरह की परंपराएं भी दिखाई देती हैं. तो हो सकता है हजार साल के युद्ध है ना, कभी यहाँ अरब आए कभी अंग्रेज आए, लगातार युद्ध होते रहे, सोशल ढांचा बदलता रहा, हो सकता है हजार साल पहले कुछ और तरह की परंपराएं रही होंगी नहीं मालूम, लेकिन जब से हमने देखा है तब से तो ये दिखाई दे रहा है कि एक हमारे माता पिता के समय में तो वो नाई हुआ करता था, वो ये रिश्ते तय करके आते थे है ना, और जिनके रिश्ते तय होते थे वो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, शादी में पहली बार मिलते थे, और हाइट में भी इतना फ़र्क हो सकता था. हाँ ऐसे पेयर मिलते हैं, तो एक वो समय था कि दोनों परिवार ही नहीं मिलते थे, कोई मीडिएटर रिश्ता तय कर देता था, वो समय भी था. फिर एक वो समय आया कि परिवार मिलने लगे और बच्चों की ज़्यादा कोई पूछ-पूछ नहीं होती थी, परिवार को देख के रिश्ते होते थे. फिर एक तीसरा दौर आया कि लड़का क्या करता है, कमाता है कि नहीं कमाता है. फिर एक चौथा दौर आया कि हाँ लड़की भी कमाती है, और दोनों मिल के आपस में बात बात फॉर्मेलिटी जैसी होने लगी शुरुआती दौर में है ना, क्योंकि हमारी शादी हुई थी तो एक तरफ तो 10-15 लोग लड़की देखने गए थे, हमको ये बताया लड़की दिखानी है, वो अंगूठी पहले से ही लेके गए थे, हमको पता ही नहीं था, हम अभी लड़की से बात ही कर रहे थे, उधर अंगूठी की रस्म उन्होंने मंत्र वंत्र चालू कर दी, तो हमको दिखाना एक फॉर्मेलिटी था, वो पहले से तय किया हुआ था कि हाँ करना ही है. तो वो भी एक दौर चला, और अब एक दौर है जो लगभग लड़के लड़के की सहमति के बिना कम शादियाँ होती हैं, या बहुत सारी शादियाँ जब तक माँ बाप की सहमति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़के और लड़के की सहमति हो, और माँ बाप भी इस बात का ऑनर करते हैं कि भाई तुम्हारी सहमति है तो ये आगे बढ़ेंगे, यदि बहुत आउटराइटली आपने कह दिया कि नहीं तो फिर नहीं. तो मुझको लगता है कि
मेरी ही 40 भाई मेरी 54 की एज है, तो मान लो 40 साल का 45 साल का अपनी आँख से देखा हुआ है, तो 40-45 साल में इतने चेंजेस आए और वो घूंघट की प्रथा है ना, वो तमाम से गुजरते गुजरते, तो ये बात तो ठीक है कि महिलाओं ने जम के झेला है। और शादी मेरे को लगता है कि वो जो लड़की का विदाई पे रोना है फूट फूट के, है ना, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो जो बाद की कल्पनाएं हैं उनके बारे में भी एक डर है, और अपनों को छोड़ के जाने का तो होता ही है, अभी उस तरह से रोना गाना नहीं होता है आजकल, है ना, आजकल तो आराम से हो जाता है, क्योंकि अब वैसा फियर नहीं रहा जैसे पहले फियर था, तो अभी लगता है कि नहीं सब ठीक ही होगा। पहले ऐसा बोलते थे कि बहू डरते हुए आती थी, आजकल बहू आ रही होती है तो सास डर रही होती है, तो जमाना बदल गया है, तो ये बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे हैं। लेकिन इससे एक चेंज तो आया कि पहले जब क्वेश्चन शादी क्वेश्चन ही नहीं था, कम से कम लोगों ने सोचना शुरू किया, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन आंसर पहले भी नहीं था, आंसर आज भी नहीं, तो 99% लोगों के पास आज भी आंसर नहीं है कि शादी क्यों करना है। और जैसे बेटी ने कहा कि भाई एक फैमिली ऐसी भी दिखती है जो आखिरी दम तक बहुत अच्छे से जिए, और एक फैमिली में प्रॉब्लम भी दिखती है, लेकिन आपका कंक्लूजन क्या आता है? हमारा कंफ्यूज्ड कंक्लूजन इसलिए आता है कि हमारे पास खुद के पास कोई व्यूज नहीं है, खुद के पास कोई ठोस आधार नहीं है, तो हमको दोनों तरह के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, और यदि हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमारे विश्वास में कमी है, तो हमको नेगेटिव एग्जाम्पल ज़्यादा छुएगा कि पॉजिटिव एग्जाम्पल ज़्यादा छुएगा? नेगेटिव एग्जाम्पल ज़्यादा छुएगा। और ये बात भी ठीक है कि समाज में परेशान वाले पेयर्स की संख्या ज़्यादा मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, अच्छे पेयर्स की संख्या भी मिलती है। तो इस सारी चर्चा में यदि सारे को समराइज करें तो जितना भी नहीं वाला पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, तो शादी नहीं वाले पार्ट में एक पार्ट ये दिखाई देता है कि मेरे को करने का कोई ठोस रीजन दिखाई नहीं देता। बड़ा पार्ट ये है कि शादी क्यों किया जाए, इसका कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता है। यदि बहुत लॉजिकली आदमी सोचे भी, आजकल तो सोरोगेट मदर, तो माँ भी किराए की मिलती है, बाप भी किराए का मिलता है, तो बिना शादी के आपके पास बच्चा भी हो सकता है, फिजिकल नीड्स भी बाजार में पूरी होती है, खाने की नीड्स भी बाजार में पूरी होती है, आपके पास पैसा है, तो आपको लगता है कि मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा लैपटॉप और मेरा टीवी और मेरा और घर में एक बाया आई है ना, जो भी एक व्यवस्था करनी है वो आप कर ही सकते हो, तो आपको लगता है कि नहीं सब कुछ हो सकता है। एक तरीका सोचने का ऐसा रहा कि जिसमें कि इंडिविजुअलिज्म, मेरी फ्रीडम, मेरा सोचने का तरीका, ये सब यदि पीछे से देखें तो एक जर्नी ये भी चली आ रही है कि पहले लड़कियां नहीं कमाती थी, लड़का कमाता था, और दोनों के रोल डिफाइंड थे, एक की कमाने की जिम्मेदारी थी, एक की घर की जिम्मेदारी थी, और लड़के की उम्र थोड़ी बड़ी होती थी और एक आस्था की कंडीशनिंग थी, है ना, माँ बाप बेटी को तैयार करके भेजते थे, ये पति परमेश्वर भी होता है और रिश्ता 7 जन्म का होता है, और बेटी की अर्थी है ना अब उस घर से ही उठती है, तो एक मानसिक कंडीशनिंग, आस्था का एक दबाव या प्रभाव ऐसा था, ये स्वीकार के आते थे कि भाई अब जो भी है अपना है, जैसा भी है अपना है, सुख है चाहे दुख है, और उसको झेलना है। तो अच्छे एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, खराब एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं। अब एक वक्त बदला धीरे से, पहले ये आया कि लड़का पहले कमाता था ऐसा देख के शादी नहीं होता था, घर में खेती कितनी है, ऊंट कितनी है, गाय कितनी है, और पिछले 3 पीढ़ियों का करेक्टर, 3 पीढ़ियों को देखने की भी परंपरा थी, वहाँ से चल के हम यहाँ तक आए कि भाई लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, फिर लड़की भी कमाती है कि नहीं कमाती है, तो आज के डेट में हम यहाँ खड़े हैं कि लड़की को भी समान एजुकेशन है, समान एक्सपोजर है, लड़की भी अर्निंग है ना, लॉजिकली एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक विधि से, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, अब कोई अंतर जैसी बात बहुत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा पहलू भी आ गया कि अब पति पत्नी की जो पुरानी कंडीशनिंग थी उसमें कौन पति कौन पत्नी,
तो पता चला मानसिक रूप से दोनों पति ही हो गए हैं और दोनों एक दूसरे में पत्नी तलाश रहे हैं। लड़की को भी एक ऐसे पति की तलाश है जो उसको समझे, उसके अनुसार चले, है ना। मैं किसी के अनुसार चलूं अब ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, नहीं सोच रही हूं। और लड़का तो अपनी कंडीशनिंग से सोच के ही आ रहा है कि लड़की आएगी तो उसके अनुसार या उसके घर के अनुसार सेट होगी। तो इन सारी चीज़ों में कन्फ्लिक्ट तो नेचुरली बढ़ेंगे। तो आस्था का जो माइंडसेट था वो गिर गया, लॉजिकली सोचना हमारे बीच में आ गया। तो आस्थाएं, आस्थाओं के आधार पे जो झेल लेने की कैपेसिटी थी या जो मान लेने का कंडीशनिंग था, दोनों टूट गया। लॉजिक के आने से क्वेश्चन तो सारे खड़े हो गए लेकिन आंसर नहीं है। आदमी में जब मैं अफ्रूट से बात करता था तो बहुत सारे गर्ल्स ने यह भी क्वेश्चन उठाया कि लड़की ही लड़के के घर क्यों जाएगी, लड़का क्यों नहीं आ सकता है। लॉजिक तो है, तर्क तो उठता है, तो इसका भी कोई ठोस उत्तर हमारे पास नहीं होने से फिर एक तरह का माइंडसेट बनता है कि पुरुष विरोधी एक माइंडसेट बनता है। परंपरा में हम सुनते हैं कि महिलाओं ने कितना झेला है, ये पुरुष लोगों ने कितना डोमिनेट किया है। फिर एक तरह की मानसिकता प्रतिक्रिया में उभर के आती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, और एक पुरुष विरोधी और एक फेमिनिस्ट मानसिकता का भी यहाँ से पैदा होता है और एक अंतर्विरोध आपस में चलता है। तो इन सारी चीज़ों को समराइज करें तो एक तो ये समझ में आया कि शादी करने का कोई यूनिवर्सल लॉजिक, शादी करने का कोई ठोस कारण हमारे पास यदि सामान्य समाज में देखें तो कोई ठोस कारण बड़ा दिखाई नहीं देता है। कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हम शादी से पूरी करते थे वो ऐसे भी हो सकती है ऐसा लगता है, और जो झंझट है वो ज़्यादा बड़ा गले पड़ता दिखाई देता है जब क्लैरिटी नहीं है। तो दूसरा है कि हमारे भीतर एक इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। नंबर एक, कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है, कोई गहरा कारण नहीं है। हाँ, उम्र आने से सभी करते हैं, हाँ करना ही होता है, हमारा समाज कहता है, हमारा धर्म कहता है, अब ये कारण कोई एक्सेप्टेबल कारण नहीं है। कोई ऐसा गहरा कारण जिसमें कि जो मुझको कन्विंस हो जाए, जो मुझको ठीक लग जाए, ऐसा कोई ठोस आधार मेरे पास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि मेरे भीतर कोई इनसिक्योरिटी है, चाहे अपनी आइडेंटिटी को लेके है ना, चाहे अपने सम्मान को लेके है, अपनी आइडेंटिटी को लेके है, अपने जीने के तरीके को लेके है ना, अपनी मनमानी को लेके है, जो भी है, मेरे भीतर कोई असुरक्षा है। और दूसरे के घर में जाने से नेचुरल है मेरी असुरक्षा, कैसे मैं उसको आंसर करूँगा, वो एक डर मेरे भीतर है। तो कोई डर मेरे भीतर है या कोई ठोस कारण नहीं है, ऐसा समराइज करें तो तीसरा कोई कारण दिखता है क्या? तो मैंने सारी बात को लाके दो चीज में समराइज करने की कोशिश की कि या तो मेरे पास कोई ठोस कारण ही नहीं है कि मैं क्यों शादी करूं, ठोस नहीं है। जिनके पास हाँ है उनके पास भी ठोस नहीं है। हाँ में क्या आ रहा है, सभी करते हैं, एक उम्र में कर लेने चाहिए, है ना, और अकेले रह जाएंगे, और मन लगाने के लिए कोई हो, शेयर करने के लिए कोई हो, है ना, बच्चे के आने से बॉन्डिंग बनी रहती है, और बच्चा एक बायोलॉजिकल टॉय है ना, एक खिलौना है, बढ़िया मन लगता है ना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो इनमें से कुछ भी ठोस है नहीं, क्योंकि आपको एक दोस्त मिल ही सकता है जिसके साथ आपका मन लग ही सकता है, और दोस्त में तो फैसिलिटी है, आज इससे मन नहीं लगता कल उससे लगा लो, है ना। ये एक से शादी करने के बाद भी दोस्त तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए लिव इन भी हमको ज़्यादा ठीक लगता है। आज मन करता है किसी के साथ रहो, कल मन लगता है इसके साथ ठीक नहीं लग रहा है, किसी और के साथ रह लो। आपके पास चॉइस है, तो लॉजिकली सोचते हैं, अपनी मनमानी के ढंग से सोचते हैं, तो ऐसा भी सोचने में और जो कुछ समाज में घट रहा है उसको देखा जाए। अब ऐसी भी शादियाँ होने लगी हैं जहाँ शादी होने के पहले डिवोर्स की शर्तें कोर्ट से लिख के स्टैंप लगा के तय कर ली जाती हैं कि कल को नहीं बनेगी तो कोर्ट के झंझट ना पड़े, और ये शर्तें हमारी पहले से तय हैं, उसके हिसाब से हम डिवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि डिवोर्स लेना भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, काफ़ी हरेशमेंट की स्थितियाँ आती हैं। तो मैंने सारी बात को समराइज करके दो बात में कहा कि या तो कोई असुरक्षा है या कोई ठोस कारण क्यों करूँ मेरे पास नहीं है, इसके अलावा कोई कारण। हाँ जी, बात करेंगे ना, कोई मेरे को प्रवचन देना है ऐसा नहीं है।
मैंने सारी बात को समराइज करके दो पार्ट में रखने की कोशिश की कि शादी क्यों की जाए, न पुराने लोगों के पास न नए लोगों के पास में हमारे पास कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई बड़ा कारण नहीं है, जो है वो टाइम पास कारण है ना? या मेरे भीतर कोई असुरक्षा है, कोई डर है, कोई फियर है जिसकी वजह से मैं नहीं करना चाहता, इसके अलावा तीसरा कोई कारण है जिनके पास, जो हाँ बोल रहे हैं उनके पास भी कोई कारण, बड़ा कारण नहीं है, उतना बड़ा कारण नहीं है जो शादी करने के बाद भी टिका रहे और शादी करने के बाद भी आपको ऐसे लगे कि हाँ यही कारण था। और ऐसे बहुत कंट्रीज हैं आज जहाँ डिवोर्स रेट 50% से ऊपर है, और आज जब हम इस हॉल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आज 2022 है, 2042 में जब इस हॉल में कोई शिविर हो रहा होगा यही, तो ये रेशो क्या निकलेगा जो अभी निकल रहा है। अभी लगभग अमित भाई ने कहा कि 80% लोग करना चाहते हैं, 20% लोग कन्फ्यूज्ड हैं, 5% लोग नहीं करना चाहते। तो क्या लगता है यदि 20 साल बाद 2042 में इसी हॉल में हैप्पी मैरिज पे शिविर हो रहा होगा तो रेशो क्या निकलेगा? है? है? अच्छा बोले आई डोंट थिंक हैप्पी मैरिज पे कोई 20 साल बाद शिविर हो, हैप्पी मैरिज जैसा शब्द ही मुश्किल में आ जाए, लिव इन में भी है ना, लिव इन ज्यादा ठीक लगता। हाँ जी, बाकी लोग क्या राय है? 20 साल बाद यदि इसी हॉल में शिविर हो रहा होगा तो ये रेशो क्या होगा? जैसा चल रहा है यदि ऐसे ही चलता रहा तो है? बोले बोले माइक, जिसको बोलना हाथ उठाइए माइक पहुंचेगा। हाँ जी, एक माइक पीछे, एक माइक इधर रखिए, एक माइक उधर रखिए, दो माइक कहाँ है ये है। हाँ जी, माइक पीछे पास करिए। हाँ जी भैया अग्रवाल जी, अग्रवाल जी के मैरिज हो गई, अब काहे को अकेले आया? ये 20 साल के बाद का तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, पर मैं ये सोचता हूँ कि नई पीढ़ी ज्यादा जिम्मेदार होगी और वो ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप में भी उतरना चाहते हैं, और होप्स हो कि आप वो शिविर ले रहे होंगे तो वो पॉजिटिव होगा जी। हाँ जी, तो आगे चल के सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बिकॉज हमारी जनरेशन अपने बच्चों को लोग क्या कहेंगे ये वाली लाइन नहीं बोलेगी। हम लोग प्रॉबली ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड बहुत सुना है, ये सेंटेंस बहुत सुना है, एंड वी हैव फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, बिकॉज वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ये स्टेटमेंट है कि लोग क्या कहेंगे। तो जो लोग शादी करेंगे वो जेन्युइनली उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं इसलिए शादी करेंगे, तो आई फील कि ये रेशो इम्प्रूव होगा। हाँ जी, और इंट्रो भी करते जाएंगे जी, जैसा भी चल रहा है इसी हिसाब से चल रहा है, इंट्रो भी करते जाएंगे, इंट्रोडक्शन भी करते जाएंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम ईशान है और मैं ऋषिकेश से हूँ। तो जैसा आपने पूछा, अगर इसी हिसाब से चल रहा है मैं समझता हूँ ये रेशो रिवर्स हो जाएगा, 20-80 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, 80% कन्फ्यूज मिले, 20% बोले कि करना है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ जी, और में वो समस्या ज़्यादा होगी क्योंकि वो कंट्रीज की मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है और वो रिलेशन पे फोकस अभी कर सकते हैं, तो हमारा तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट होगा कि हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो कंट्रीज के साथ नहीं है और मतलब यूथ की एक्सपेक्टेशन है कि उनके जैसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। हाँ। और साथ में रिलेशन को भी लेना है तो ये हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हीरो हीरोइन का घर, उसके रहन सहन और उनका उठना बैठना और उस सबको देख के हमारे मन में एक पिक्चर आती ही है, तो लाइफस्टाइल हमारी आंखों में एक तरह का आ ही गया है, वो हमारी ज़िंदगी में कब आएगा कि नहीं आएगा एक बात है, उसका भी एक दबाव है ही है, लोग क्या कहेंगे का दबाव हम
हमारे ऊपर कंडीशनिंग आस्था वाला कितना है, लेकिन ये दबाव तो है कि दूसरे की गाड़ी और दूसरे का मकान और दूसरे का लाइफस्टाइल, वो तो हमारे अंदर आ ही रहा है कि लोग क्या कहेंगे और कोई कह रहा है कि नहीं कह रहा है, वो प्रेशर हमारे ऊपर काम कर रहा है। जो एक दो बहन ने पहले भी कहा कि वर्क एंड लाइफ, शायद आपने ही शेयर किया था, है ना, तो ये जो प्रेशर है कि करियर का प्रेशर और लाइफस्टाइल का प्रेशर और उसके बाद महंगी होती हुई ज़िंदगी और उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप के लिए समझ भी हो टाइम भी हो, क्योंकि देखो कोरोना काल में, उसके पहले हम इस काम को पिछले 20 सॉरी आपको रोक रहा हूँ हम इस काम को पिछले 20 साल से कर रहे हैं। तो हम शिविरों में देखते हैं कि पतियों की एक यूनिवर्सल समस्या है कि पत्नियाँ उनको समझती नहीं, और पत्नियों की यूनिवर्सल समस्या है कि पति उनको टाइम नहीं देते, ऐसा ये दो यूनिवर्सल समस्या है। तो कोरोना काल में आर पार कर दिया, कोरोना काल में टाइम ही टाइम था। तो जिनके ऐसे बहुत परिवार हैं जिनके यहाँ हस्बैंड वाइफ रिलेशन आर पार हो गया, आर पार मतलब डिवोर्स तक पहुँच गया, क्योंकि यदि आपके पास समझ नहीं है तो थोड़ा दूर ही रहते हो तो ठीक है, समझ नहीं है और ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल गया तो एक दूसरे के वो कॉर्नर जो कल तक नहीं दिखाई देते थे अब वो जोर से दिखाई देने लगे हैं और आपको लगता है कि नहीं चल सकता है। और जिन पति पत्नियों के बीच में थोड़ी सी संवेदनशीलता थी, सेंसिटिवनेस था और टाइम मिला, उनके रिलेशन इम्प्रूव भी हुए। तो इसका मतलब है कि नज़दीक आने से रिलेशन इम्प्रूव होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना, वो आर पार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे क्लैरिटी बनती है कि जो भी वर्क प्लेस जो दबाव है, जो भाई ने कहा वो दबाव हमारे भीतर है, उस दबाव के साथ चलते हुए फिर कैसे रिलेशनशिप और कैसे मेंटेन करेंगे, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। जी कम होता दिख रहा है, हाँ। पेशेंस नहीं है एक दूसरे को झेलने का, हाँ। तो उसकी वजह से ये पेशेंस कम क्यों है, ये भी सब चीज सोचेंगे ना कि हर चीज हो कहाँ, चीज ड्राइव कहाँ से हो रही है, पेशेंस कम क्यों है, बाकी दूसरी चीजों का प्रेशर ज्यादा है। तो बाकी चीजों का प्रेशर ज्यादा है, अपने भीतर इनसिक्योरिटी ज्यादा है, जब मैं बहुत प्रेशर के साथ हूँ, इनसिक्योरिटी के साथ हूँ, जो ये बात है आपने कही कि लोग क्या कहेंगे, शायद मेरे ऊपर वो दबाव कल समाज का दबाव था कि गाँव के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, अब वो मेरा अपना स्वीकारा हुआ दबाव है कि इससे कम में तो नहीं चलेगा, ऐसा तो होना ही चाहिए। जी वो एक मिनिमम हो जाता है कि दूसरी प्रेशराइज चीजों की वजह से पेशेंस कम होता दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को झेलने का वो भी कम हो जाता है, यू नो वेरिएबिलिटी नहीं है एक दूसरे को झेलने की, मुझे डिवोर्स रेशियो ज्यादा दिख रहा है क्योंकि नहीं साथ में रहना ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जी। मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि हम जाने अनजाने में पश्चिमी देशों को कॉपी करते हैं, हाँ। और वहाँ क्या होता है कि शादी से पहले ही डिवोर्स की कंडीशन सामने आ जाती है कि अगर कल को जब आपका डिवोर्स हो तो ये कंडीशन है कि ये एग्रीमेंट है, तो वो इसी माइंडसेट के साथ ही शादी में एंटर करते हैं कि कल को डिवोर्स लेना ही है। तो मैं समझता हूँ ये कल्चर भी कहीं आ सकता है। आज मैं सुबह वो नाते नाते कभी कोई गाने याद आने लगते हैं ना पुराने, कुछ सालों का साथ है तो जन्म जन्म वाला मामला बच ही नहीं रहा। तो कोई मैंने पुराना आर्टिकल पढ़ा था कि लंदन में संबंध की एवरेज उम्र 4 साल है, ऑन एन एवरेज, किसी की 10 साल चल गई, किसी की 1 साल चली, तो ऑन एन एवरेज संबंध की उम्र 4 साल है, ऐसा कभी पुराना डेटा कभी पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि कोई ठोस आधार या इनसिक्योरिटीज, है ना, जिस तरह की दिखाई दे रही है। हाँ जी और कोई शेयरिंग, हाँ जी माइक आगे। मोदी जा रही है तो उसमें मतलब वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं कैसे, मतलब उसमें समझते हैं उसका, पहले अपन क्या है मुद्दा निश्चित कर लें कि प्रॉब्लम आ कहाँ, जयपुर वाली PhD साइकोलॉजी अच्छा उधर चली गई, है ना। तो एक तरह का दबाव, एक तरह की आस्था थी, डिवोर्स के लिए सोचना ही बहुत दूर की बात था, कल्पना में ही नहीं होता था डिवोर्स, और डिवोर्स किसी का हो गया उसको समाज में बहुत बुरा मानते थे और वो बहुत मतलब ऐसा था। अब
जैसे जैसे कोई चीज़ें समाज में बढ़ती जाती हैं, अब पति भी कमाने लगा, पत्नी भी कमाने लगी, तो वो एक डर नहीं है कि कल को संबंध नहीं रहेगा तो क्या होगा? कल एक वो भी स्थिति थी कि डिवोर्स हो गया तो बाप के घर में आने में बहुत संकोच लगता था कि मैं लौट के अपने बाप के घर में वापस नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कंडीशनिंग ऐसी थी कि भाई तुम्हारा घर वो कन्यादान कर दिया, अब उधर जाओ, अब इधर दरवाज़ा बंद, ऐसा लगभग ऐसा भाव था। अब वो सारी स्थितियाँ बदल गई। अब जैसा कि बहन कह रही थी कि अपना घर छोड़ के आना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि भाई उल्टा है, वो तो अपना है ही है, इधर भी अपना ही कब्जा है ना? क्यों कहीं और है? ऐसा होता नहीं। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ही है ना? हमारे तो पिताजी ने मेरे लक्षण देख के कि ये अपना कुछ जिंदगी में प्रॉपर्टी दान दून कर देगा ये, तो मेरे से डरते थे इस मामले में। तो शादी होके आया तो जो जमीन हमको खरीदना था वो जमीन पूरा वाइफ के नाम था। तो मैं एकदम ब्लैंक हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, है ना? और अधिकार के रूप में भी मेरे घर में मेरी वाइफ की ज़्यादा जगह है, तो और उस मेरी वाइफ की अपने घर में भी बहुत चलती है, हमारे घर में भी बहुत चलती है ना? तो मैं यार ये बढ़िया, उधर तो अपना कब्जा नहीं है, इधर भी अपना कब्जा हो गया, दो दो सत्ताएं अपने पास। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैप्स हैं तो इसको फिलअप करने की, तो एक मैं जो मैं कहना चाह रहा था कि कोई गहरी इनसिक्योरिटी है अपने में उस रिश्ते को हैंडल करने की कैपेसिटी। जॉब में जितना स्ट्रेस हमको आता है, जितनी मेहनत हम कर लेते हैं, घर का काम भी मैनेज करना और 12 घंटे 8 घंटे की जॉब भी कर लेना, लोग कर ही रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहरों में काफ़ी टफ लाइफ है, उसके बाद भी परिवार चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल आलपारी है। तो इसका मतलब है कि जिस काम की, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मानसिक थकान का परिभाषा क्या है, मानसिक थकान क्या चीज़ होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान दोनों में क्या फर्क है, हमको क्या एक्सेप्टेबल है, शारीरिक थकान एक्सेप्टेबल है कि मानसिक थकान एक्सेप्टेबल है, स्वीकार कौन है? शारीरिक थकान हमको स्वीकार है, मानसिक थकान हमको स्वीकार नहीं है। क्यों? क्यों? माइक माइक हाँ जी, माइक लेते जाओ, माइक इधर का कहाँ है देखो। का जो सोल्यूशन है वो स्लीप इनबिल्ट है, बॉडी खुद रिचार्ज हो जाता है। शारीरिक थकान नेचुरल है, नेचुरल है, एक मशीन है, उसको आप कितने घंटे काम लोगे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लोगे तो उसमें आराम करने के लिए डिमांड आएगी, चाहे हम जनरेटर चलाते हैं 8 घंटे बाद उसको भी, फिर भी एक फिजिकल वेयर एंड टीयर वाली मशीन है, एक समय के बाद आराम देना उसको ज़रूरत है। और मानसिक थकान का शायद हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं पता। नहीं, शारीरिक थकान सोने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन मानसिक थकान खत्म नहीं होती। मानसिक थकान होती क्यों है? आपकी रिलेशन जेलेसी, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी नहीं होता, कंपैरिजन, ड्रीम्स पूरे नहीं होते। सर, शारीरिक थकान हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मानसिक थकान इज मेजॉरिटी नेगेटिव। नेगेटिव, यस। अच्छा बताओ। हाँ जी बोले बोले, माइक ले लो, इंट्रोडक्शन भी करते जाओ, इस बार नहीं कुछ लोग का इंट्रोडक्शन होता जाएगा। हेलो, मेरा नाम अंकिता है, मैं हिम्मतनगर से हूँ। मानसिक थकान हमको इस तरह से होती है कि हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा है और उसका सॉल्यूशन ही हमें नहीं पता, तो वो चलती ही रहती है। समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, हाथ उठाओ। लेकिन जैसे अभी बहन ने कहा, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारा दुख है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से दुखी नहीं होता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से दुखी नहीं होता। यहाँ जो भी बात हम आपके साथ कर रहे हैं, मैं बोर्ड पे आऊँगा 2-5 मिनट में, फिर मैं लिख दूंगा,
तो जो भी कुछ आपसे कहा जा रहा है वो आप माने, ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है, है ना? हर बात में आप असहमत हो सकते हैं, मिलके हम बात आगे कर सकते हैं। तो देखो, आपको याद होगा हम सब स्कूल से पढ़ के आए हैं, जब स्कूल में टीचर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछती थी जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता था तो हम स्कूल में क्या करते थे? क्या करते थे स्कूल में? जब स्कूल में टीचर क्वेश्चन पूछती थी, हमारे पास आंसर नहीं होता था तो हम क्लास में बैठ के क्या करते थे? छुप जाते थे, दूसरे की पीठ के पीछे सर डाल देते थे ताकि टीचर आपकी, टीचर की निगाह अपने पे ना पड़े, क्योंकि तो आंख से आप मिल गई तो पूछ देगी, बताओ। और जिसको आंसर आता था वो क्या करता था? टीचर टीचर टीचर, उसको लगता है यार मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है, तो टीचर का क्वेश्चन पूछना समस्या है या अपॉर्चुनिटी है? टीचर का समस्या पूछना अपॉर्चुनिटी है कि समस्या है? टीचर का क्वेश्चन पूछना ना समस्या है ना अपॉर्चुनिटी है, टीचर का क्वेश्चन पूछना घटना है। टीचर का क्वेश्चन पूछना घटना है, जिसके पास आंसर है उसके लिए बोलते जाओ, और जिसके पास आंसर नहीं है उसके लिए समस्या। इसका मतलब समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? बाहर क्या है? बाहर क्या है? केवल घटनाएं। इसका एक बात समझ में आई, बाहर केवल घटनाएं हैं, बाहर केवल घटनाएं हैं, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, किसी के पास उसका सॉल्यूशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो इससे क्या समझ में आया? जिंदगी एक समस्या है कि जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है? जिंदगी एक समस्या है कि जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है? जिंदगी 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 हाँ, जिंदगी एक अनवरत घटनाओं की श्रृंखला है। जिंदगी एक अनवरत, अनवरत मतलब कॉन्टिन्यूस, जिंदगी एक अनवरत घटनाओं की श्रृंखला है, सीरीज है। आपका जन्म लेना भी एक घटना है। जन्म लेते ही आपका कोई मम्मी पापा हो गया, कोई चाचा हो गया, कोई ताया हो गया, कोई आपका भांग हो गया, कोई आपका धर्म हो गया, कोई आपकी जाति हो गई, कोई आपका देश हो गया, ये सब भी घटनाएं। आपका बड़ा होना भी एक घटना है, आपका जवान होना घटना है, शादी होना घटना है, एक दिन शरीर का मर जाना भी घटना है, जॉब लगना भी घटना है, जॉब छूट जाना भी घटना है, सब घटना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन नहीं होना। प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन नहीं होना। सॉल्यूशन का नहीं होना, सॉल्यूशन का नहीं होना। तो मेरी जिंदगी में दुख नाम का एक ही चीज है कि मेरे को किसी घटना का सॉल्यूशन पता नहीं है, बस, और कोई दुख नहीं। तो मेरी जिंदगी में सारा दुख एक ही बात का है कि मेरे पास किसी घटना का सॉल्यूशन नहीं है। शादी क्यों करना है ये भी घटना है, और शादी नहीं करना है ये भी घटना है। मुझको क्यों करना है ये भी पता नहीं है, और क्यों नहीं करना है ये भी पता नहीं है। जब नहीं बोलता हूँ तो हाँ वाले लॉजिक सामने आते हैं, जब हाँ बोलता हूँ तो नहीं वाले लॉजिक सामने आते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? हाथ खड़ा करते जाओ। ठीक हो गया। तो घटना क्या है? घटना यह है कि शादी करना या नहीं करना दोनों घटना है, मेरे पास दोनों का सॉल्यूशन नहीं है। शादी नहीं करना है, यदि इसका भी सॉल्यूशन बहुत क्लियर है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और शादी करना है
इसका बहुत क्लियर सॉल्यूशन है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। शादी हो गई है, अब रोजमर्रा की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसका सॉल्यूशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम है ना। मेरी 24 साल में शादी हो गई थी, 25-26 में मैं एक बच्चे का बाप था, एक जॉब थी दिल्ली में, तो सब कुछ करके पता चला कि इसमें तो कोई खास बात है नहीं। 25 साल में एक बच्चे का बाप हूँ, घर है, गाड़ी है, बीवी है, कोई समस्या भी नहीं है जिंदगी। अब लगता है इसी का नाम जिंदगी है क्या? अब इसी का नाम जिंदगी है तो कोर्स पूरा हो गया, और बताओ क्या करना है। बोले अब इसी का नाम जिंदगी है, यही करना है जिंदगी में, मैं तो बहुत बोरिंग काम है। अब उसका सोल्यूशन नहीं था। मेरी जिंदगी में मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। वाइफ बहुत अच्छी, बेटा बहुत अच्छा, घर बहुत अच्छा, नौकरी से भी कोई शिकायत नहीं, कोई चीज़ से शिकायत नहीं। अब शिकायत किस बात से है? शिकायत इस बात से कि जो चल रहा है कोई काम का नहीं लग रहा, इसमें कोई ऐसा लग रहा नहीं कि जिंदगी जैसी कोई बात आई, ये सब रूटीन जैसा लग रहा है। रोज सुबह उठे, खाना खा लिए, रोज सुबह उठे, ऑफिस चले गए, दो चार काम करके आ गए, फिर खाना खा के फिर सो गए, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और होगी। इसी का नाम जिंदगी है तो ये 35 साल इसको कैसे ढोएंगे? तो वहां से जिंदगी की तलाश शुरू होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी प्रॉब्लम। इसका मतलब सास समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? सास समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? 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 नो कमेंट्स। क्यों साथ में आइए क्या? शादी ने भी फिर क्यों कमेंट नहीं? शादी के पहले जो मर्जी कमेंट करो, अब किसी के साथ में बैठी है तो ना करे तो अलग बात है। तो इसका मतलब पता चला कि सास भी एक घटना है, बहू होना भी एक घटना है, माँ होना भी एक घटना है, शादी होना भी एक घटना है, सब कुछ एक अनवरत घटनाक्रम है। इस घटना का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, केवल इसका नाम दुख। अब एक और बात शुरू होती है कि आपका एग्जाम सामने है। देखो आप अपने घरों से दूर जाके किसी हॉस्टल में रहते हो, किसी एग्जाम किसी पढ़ाई की तैयारी करते हो, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है, कभी बीमार हो जाते हो तो अकेले बहुत कुछ फेस करते हो, लेकिन घर छोड़ के जाते हो कि नहीं जाते? क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? जिंदगी की तलाश में, कुछ बेहतर होने वाला है। तो कुछ बेहतर होने वाला है उसकी तलाश में हम बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनको सहन करते हैं, इसलिए कि कुछ बेहतर होने वाला है। फिर आपने साल भर तैयारी कर ली, अब आपको लगता है कि मेरी तैयारी कम है, अब एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ? तो एग्ज़ाम नहीं देने से अच्छा होगा तो जब भी ज़िंदगी में एग्ज़ाम आए उसको छोड़ के भाग जाएं कि उसको फेस करें। फेस करने से क्या होगा? फेस करने से क्या होगा? फेस नहीं करने से क्या होगा? फेस करने से क्या होगा और छोड़ के भागने से क्या होगा? बोलो माइक से, बोलो माइक से, बोलो माइक। फेस करने से डर दूर होगा और क्या होगा? शायद पास भी हो जाए। शायद पास भी हो जाए और क्या होगा? कम से कम अपने लिए आईना मिला कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इसका पता चलेगा। पास हूँ या फिर जरूरत है किस सेंस में? आगे बढ़ने के लिए। देखो आप किसी कॉलोनी में अपने दोस्त से मिलने जाते हो, कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पे सारे मकान के नंबर लिखे रहते हैं बोर्ड पे, आपके दोस्त का मकान नंबर भी उस पे लिखा हुआ है, लेकिन जब तक एक इन्फॉर्मेशन उस बोर्ड पे नहीं है तब तक नंबर लिखा होने के बावजूद एड्रेस नहीं मिलेगा। क्या इन्फॉर्मेशन होती है बोर्ड पे? एक इन्फॉर्मेशन होती है,
यू आर हेयर। तो जब तक यू आर हेयर नहीं पहचानेंगे तब तक मेरे दोस्त का नंबर किधर है वहाँ से मैं कैसे चल के जाऊँगा, रूट डिफाइन नहीं होता है। आप गूगल में डालते हो है ना, एड्रेस डालते हो ना, गूगल में चलते हैं तो क्या क्या पूछता है, लोकेशन पूछता है, डेस्टिनेशन पूछता है। लोकेशन और डेस्टिनेशन डालो तो रूट ड्रॉ करके आपको दे देता है। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी का भी कोई रूट है, उसका भी कोई लोकेशन है, उसका भी कोई डेस्टिनेशन है, उसकी भी कोई मंजिल है, उसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको अपनी ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे पता चलता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कब पता चलता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ ये हमको कब पता चलता है, जब सिचुएशन को फेस करते हैं कि सेफ रहते हैं, जब सिचुएशन को फेस करते हैं। तो अपने घर में सेफ बने रहना, नहीं नहीं मैं तो घर से बाहर पढ़ने लिखने भी नहीं जाऊंगा, मैं तो घर से बाहर कुछ सामान लेने भी नहीं जाऊंगा, आजकल एक्सीडेंट भी बहुत होता है, मैं तो घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो मैं सेफ रहूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रह के कहाँ पहुँचेंगे, कभी कोई गलती नहीं करना है, कभी किसी से कोई गलती ना हो, इसका क्या तरीका है, कोई काम मत करो, जो कोई काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी, है ना। कोई काम करेगा तो 10 गलतियां होंगी ही, लेकिन गलतियां होना, गलतियां क्या चीज है, जो मेरे को मेरा लोकेशन देती है कि तुम खड़े कहाँ हो। मेरे को मेरा लोकेशन पता चलेगा तो मैं आगे की जर्नी करूंगा, तो मैं जिंदगी में घटनाओं को फेस करने से पीछे हट जाऊं। आप लोगों का शादी से भागना जिंदगी की सबसे बड़ी घटना को, जिंदगी के सबसे बड़े एग्जाम को फेस करने से भागना है। भाग के जाओगे कहाँ, जिंदगी माफ नहीं करती, जिंदगी माफ नहीं करती। इसका मतलब है जिंदगी को जीना ही होता है। आप संसार में आए हो तो आपको जिंदगी को जीना ही होगा, जिंदगी को समझना ही होगा। हाँ, आपके सारे फियर, सारी इनसिक्योरिटी, सारे कंफ्यूजन मात्र इस बात की सूचना है कि मेरे पास कहाँ कहाँ सॉल्यूशन नहीं है और कहाँ कहाँ मुझको सॉल्यूशन पाना है ना। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि जिंदगी में सॉल्यूशन पाया जाए और जिंदगी को जिया जाए कि जिंदगी से भागा जाए, सॉल्यूशन पाया जाए और जिंदगी को जम के जिया जाए। क्योंकि आदमी में सोचने समझने की ताकत कितनी है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, आदमी में सोचने समझने की अनलिमिटेड ताकत है। ये अनलिमिटेड ताकत केवल घर में सेफ रहा जाए इसके लिए मिला है कि जिंदगी को जम के समझा जाए और जम के फेस किया जाए और जम के जिया जाए, अपनी ताकत को देखा जाए, अपनी ताकत पे भरोसा किया जाए, अपने पे गर्व किया जाए। एक है ना, एक कल्पना करके देखो कि हमको इतना ही नहीं लगता है कि मैं अपने परिवार को ठीक से चला पाऊंगा, और आदमी की कैपेबिलिटीज और अपने खुद के ऊपर सोचो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपना परिवार भी नहीं चला पाऊंगा। ऐसा सोच के कैसा लगता है, स्वीकार होता है कि नहीं होता है, मुझ में अपना परिवार चलाने की भी योग्यता नहीं है, अपना परिवार चलाने का भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा निष्कर्ष अपने में स्वीकार होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, आप इसे पूछ रहा हूँ, ये स्वीकार होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों को नहीं होता है, हाथ उठाओ, है ना। कितने लोगों को ये स्वीकार होता है कि मैं मेरा परिवार भी बढ़िया से चलाऊंगा और दूसरे परिवारों को भी सहयोग दूंगा, ये मेरे जीने का मतलब है ना। स्वीकार तो हमको यही होता है, स्वीकार तो हमको यही होता है कि हमारा परिवार भी बढ़िया से चलाएंगे और दूसरों को भी उनका परिवार चलाने में सहयोग देने के लायक होंगे, दूसरों को सॉल्यूशन देने के लायक होंगे कि हमेशा हम प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। हम सॉल्यूशन की फैक्ट्री हो कि हम प्रॉब्लम की फैक्ट्री हो, अभी हम उम्र बढ़ने के साथ साथ सॉल्यूशन की फैक्ट्री है कि प्रॉब्लम की फैक्ट्री है, प्रॉब्लम की फैक्ट्री है, हम प्रॉब्लम जनरेटिंग फैक्ट्री है। हमसे पूछो प्रॉब्लम कैसे आती है ना, और हमने अपनों से दुख पाया है कि परायों से पाया है,
जो से बोलो अपनों से ज्यादा दुख अपनों से पाया है कि अपने आप से पाया है? अपने आप से। तो मैं एक ही काम के लिए सेल्फ रिलायंट हूँ, दुखी होने के लिए मेरे को दूसरे की जरूरत ही नहीं, मैं खुद में कैपेबल हूँ। और हमने दुख देने वाले ने आपको कितनी बार दिया था? किसी अपमान, किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने आपके ऊपर गलत टिप्पणी की थी, उसने एक बार की और आपने उसको याद करके अपने ऊपर कितनी बार दुख पाया? 20 लाख बार दुख पाया है ना। तो हम ऐसे दुखी नहीं हुए हैं, उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है, हम बहुत मेहनत करके दुखी हुए हैं, बहुत मेहनती लोग। और रोज यही खोजते हैं कि आज कैसे दुखी होऊंगा। ऐसी है हमारी कहानी, डरे डरे दुखी दुखी। तो इससे एक बात समझ में आया कि देखो सूत्र है, सूत्र है, जब मैं सूत्र बोलता हूं तो नेचर का नियम है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? माइक, जो भी बोलो माइक से बोलो। हाँ, और समझ है तो गलती नहीं। हाँ, तो हम सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम्हारी जिंदगी में झांक के बताओ कहाँ कहाँ समझ है और कभी गलती नहीं होती है। तो भी है, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा तुम। हाँ बोलो, तुम्हारी जिंदगी में झांक के बताओ कहाँ कहाँ तुम बोल सकती हो कि मेरे को यहाँ समझ है, इसलिए कभी कल्पना में भी गलती नहीं होती। प्रैक्टिकली होना तो दूर की बात, इमेजिनेशन में भी गलती नहीं होती है, ऐसा भी तुम करती हो। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा। सोचने की मशीन खाकरा भापरा तक सीमित रहती है, क्या करो, खाकरा भापरा के आगे सोचने की मशीन जाती नहीं। तो देखो माइक पकड़ के रखो, तुमको पता है कि पानी पीने से प्यास बुझता है, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि आज नारियल पी के पानी प्यास बुझा लूं, मिट्टी का तेल पी के, गाय का घी पी के प्यास बुझा लूं? ऐसा कभी ख्याल आया? पानी पी के ही प्यास बुझती है। खाना खाने से पेट भरता है, तो कभी कोई ख्याल आया कि नहीं मिट्टी खा लूं, पत्थर खा लूं, है ना, या कोई आदमी को उड़ लूं, है ना, आदमी खा लूं? ऐसा भी पता है ना, उसमें कभी कल्पना में भी गलती नहीं हो रही है। कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं बोलूंगी तो गुजराती बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी? नहीं, नहीं आया। इतनी सारी जगह देखो मैंने बता दिया, अब तुम 10 जगह और ढूंढ ही सकती हो। इसका मतलब है कि जिस मामले में हमारी समझ बन गई है उसमें कल्पना में भी गलती नहीं हो रही है, प्रैक्टिकली होना तो दूर की बात। इसका मतलब जिन मामलों में हमसे कल्पना में गलती होती है या व्यवहार में गलती होती है उस मामले में हमारी समझ नहीं बनी है, है ना? अभी जो हम बात कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शादी के लिए सहमत हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं? हम समझ के पहन रहे हैं कि बिना समझे ही पहन रहे हैं? हमारे घर में लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, इसलिए पैंट शर्ट पहन लेते हैं। हम शाकाहारी क्यों हैं? क्योंकि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ शाकाहारी थे, इसलिए हम शाकाहारी हैं। तो ना समझ के हम शाकाहारी हैं, ना समझ के हम मांसाहारी हैं, ना समझ के हम हिंदू हैं, ना समझ के हम मुस्लिम हैं, ना जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। अधिकांश लोग समझ के कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी परिवार में पैदा हो गए हैं, उस परिवार में जो हो रहा है बाय डिफॉल्ट उसने स्वीकार लिया है और वो चल रहा है, उसका अपना निर्णय लिया हुआ कुछ भी नहीं। तो शादी क्यों करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी सोच रहे हैं। तो मैं शादी क्यों करना, क्यों करूंगा, ये भी कोई मेरे को पता नहीं है। क्यों नहीं करना है, ये भी कोई मेरे को पता नहीं है। जब मैं नहीं करने की सोचता हूँ तो हाँ वाले लॉजिक ध्यान में आते हैं, जब नहीं की सोचता हूँ तो नहीं वाले लॉजिक ध्यान में आते हैं।
और कंफ्यूज लोग कंफ्यूज बच्चे ही पैदा करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने की के नहीं की, दोनों से फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम घटना का जो कुछ भी मैंने आपसे चर्चा किया, ये कितने लोगों तक बात पहुंची है ना, लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, और फिर मैं कुछ लोगों को शेयर करने के लिए बोलूँगा। इस पूरी चर्चा से आपको क्या समझ में आया, अपने में क्या निष्कर्ष आ रहा है, अपनी ज़िंदगी पे डाल के देखिए और दो चार लाइनें अपनी भाषा में लिखिए और कुछ लोग फिर शेयर करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा डिवोर्स, पहले के जमाने में जब लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं मिलते थे ना, तब शादी हो जाती थी। लेकिन इस जनरेशन मेरी या नई जनरेशन में सिर्फ शादी से पहले सगाई के कारण बड़े लोग कहते हैं कि 6-8 महीने साथ रहो और इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच और मिलाप बढ़ेगा। फिर थोड़ा माइक थोड़ा दूर कर लीजिए। दोनों के बीच मिलाप बढ़ेगा, इंटरेक्शन होगा 6-8 महीने, लेकिन इस जनरेशन में ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। डिवोर्स इसका कारण क्या है? पहले के जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। हमारे बड़े लोग कह गए कि दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, 6-8 महीना दोनों साथ रहो तो बात बढ़ेगी। लेकिन इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है बताएंगे ये लोग? बताएं क्योंकि लॉजिक आ गया, लेकिन लॉजिक आने का पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम सोचने लगे, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ हमको क्वेश्चन करना तो आता है, क्वेश्चन उठाना तो आता है, अपने लिए सोचना भी आता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, इसलिए डिवोर्स की तरफ जाएगा। ही ठीक ही जा रहा है, गलत नहीं। हाँ जी, और अगर गलती है, हो रही है, दैट मींस समझ नहीं। तो हर मामले में ये मानना कि दूसरे की गलती है ना, धीरे से इन सारे तारों को पहले पकड़ेंगे फिर बात करेंगे। एंड अधिकांश चीज़ों में हमारी समझ कम ही है। हाँ, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ हम दुखी हो रहे हैं, मेरा दुखी होना भी एक गलती है। दूसरे ने गलत किया ये उसकी स्थिति है, मैं उससे दुखी हो रहा हूँ ये मेरी स्थिति है, तो मेरे को उस घटना को हैंडल करना नहीं आया है ना, ऐसा भी सोच के दूसरे के, तो मैं हमेशा ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूँ उसको मैं सोच सकता हूँ। जी हाँ जी, यस सर। कोई समस्या नहीं है बल्कि सॉल्यूशन का नहीं मिलना है। गुड। सेकंड, ये सारे सेंटेंसेस को बना बना के ब्लॉक मार मार के लिख लो है ना, क्योंकि इससे बहुत कुछ ठीक होने वाला है। हाँ जी, दूसरा कि जिंदगी एक कंटिन्यूस घटनाओं का पूरा सीरीज है। उसमें कोई घटना फेस करने से कुछ बात बनेगी, अगर आप फेस ही नहीं करेंगे तो कोई आपका सेल्फ एस्टिमेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पेड़ पे फ्रूट लगा, तो किसी ने खाया तो उसके शरीर को मजबूत बनाएगा, पोषण देगा और अल्टीमेटली मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं खाया तो भी मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो ये जिंदगी रूपी फ्रूट आपने खाया तो भी ठीक है, और नहीं खाया तो बिना यूज़ किए ही ये मिट्टी में मिल ही जाएगा, और आपके हाथ में कुछ नहीं आया। घटनाओं को फेस ना करना, घटनाओं से भागना, अपनी मनमानी करना, जिंदगी में मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिंदगी माफ़ नहीं करती। एग्जिस्टेंस का रूल है, उसको समझ के ही जिया जा सकता है। अपनी मनमानी करने की गुंजाइश जिंदगी के मामले में नहीं है। मनमानी केवल इतनी है कि आज वाइट शर्ट पहनूं कि ब्लू शर्ट पहनूं, आज खाखरा फाखरा खाऊं कि छोले भटूरे खाऊं, इतनी चॉइस है। 9 बजे उठूं कि 4 बजे उठूं, ये चॉइस है। तो जिंदगी में क्या चॉइस है उसको भी पहचानना होगा, क्या चॉइस नहीं है। जिंदगी से भागने का चॉइस नहीं, क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, दोनों की 100% क्लैरिटी होगी। 100% क्लैरिटी है तो उसकी पहचान है, उसमें सपने में भी शंका नहीं आएगी। कभी भी शंका पैदा होती है इसका मतलब गुंजाइश है। और सर थर्ड पॉइंट, समझ नहीं है तो हमें वहाँ पे समझ बढ़ानी है,
ना कि वहाँ से भागना है. थैंक यू. बढ़िया. हमारे पास देयर इज अ रीजन, लेकिन हमको पता नहीं है. हमको नहीं पता कोई भी रीजन. और दूसरा चीज़ आपने ये बताया कि हम इसलिए स्केर्ड हैं बिकॉज हम किसी और के घर जाएंगे या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे. बी इट मेल और बी इट फीमेल, हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो अब रिफ्लेक्ट होंगी, जो कि अभी तक जिनको निगलेक्ट कर दिया. जैसे पेरेंट्स के साथ अगर हम कैसे भी बात कर रहे हैं या फिर तेज की हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद वो हमें हमारा बचपना समझ के उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं. बट जब हम किसी और के साथ हैं तो वो चीजें आगे रिफ्लेक्ट होती है. हाँ. और वो एक्सेप्ट नहीं होती यूजुअली. आप बचपन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते. Exactly. आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह में आना ही नहीं चाहते, है ना? तो इसका मतलब है कि आप में अपनी मैच्योरिटी के प्रति, अपनी क्लैरिटी के प्रति कोई विश्वास ही नहीं है. आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ है कि मैं दूसरे घर में जाके भी उसको हैंडल कर लूँगा. यदि आपके पास कोई स्किल है, क्या उसके क्या एग्जाम्पल लूँ, मान लिया आपको किचन में खाना बनाना आता है ना, से फॉर एग्जाम्पल हमको खाना बनाना आता है, तो आपको डर लगेगा कि किसी भी किचन में जाके मैं मेरी किचन में तो बना पाती हूँ, दूसरे की किचन में बनेगा कि नहीं बनेगा. यदि आपको कॉन्फिडेंस है खाना बनाने के प्रति, तो आप किसी भी किचन में जाओगे, सब किचन एक समान, सब जगह जीरा जीरा ही होता है, हल्दी हल्दी होती है, नहीं हमारे यहाँ की हल्दी हल्दी होती है, दूसरे यहाँ की हल्दी जो है टिंडा होता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका मतलब है कि यदि मेरे को खाना बनाना आता है तो मैं दुनिया की किसी भी किचन में जाने के लिए मुझको कहा जाए तो मेरे को कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है. उसी तरह से यदि मेरे को मानव समझ में आता है, यदि मेरे को जिंदगी समझ में आती है, किसी भी घर में जाऊँ लोग ही मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस मेरे पास आएगा. और यदि मेरे में कुछ कमी होगी, घर में तो अपनी कमी का पता ही नहीं चलेगा. घर में तो आपका 0 पॉइंट पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ तो आपकी मनमानी चलती है. दूसरे परिवार में जाके जहाँ से आप एक 0 रेफरेंस के साथ में शुरू करते हो, वहाँ आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी ताकत को भी व्यक्त होने का अवसर है और आपकी कमजोरी के भी पता लगने का अवसर है. अपनी लोकेशन ही पता नहीं चलेगी तो डेस्टिनेशन पे गाड़ी कैसे पहुँचेगी? 70 साल के होगे तो अपने आप को क्या जवाब दोगे कि केवल अपने आप को सेफ होके बचाए रखा? तो क्या कॉन्फिडेंस हाथ में आएगा, क्या खुशी हाथ में आएगी? तो अपने आप को बचा लेना खुश होने का तरीका नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ज़्यादा दुख को इनवाइट करने का एक तरीका है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करना ही, मैं केवल इतना ही बोल रहा हूँ, नहीं करना है तो भी मेरे पास 100% क्लैरिटी है, करना है तो भी मेरे पास 100% क्लैरिटी है. क्लैरिटी ही सुख है, क्लैरिटी ही न सुकून है, नहीं तो लोचा है ही. बढ़िया. और सारा रिपीट ऑलरेडी हो चुका है. एक पॉइंट जो मुझे लगा अभी बोला वो ये था कि जैसे आपकी वो जो स्टेटमेंट थी कि सब पति हो गए हैं और एक दूसरे में पत्नी ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पर देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज. बिल्कुल. तो इस वजह से भी बहुत मेजर कंफ्यूजन है. बिल्कुल. क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या रोल्स कर सकते हैं, कहाँ पर एक बाउंड्री सेट करनी है. तो वही पॉइंट हुआ कि लैक ऑफ क्लैरिटी. बहुत बढ़िया. तो बिल्कुल आपने अच्छा कहा. एक पति, एक अच्छे पति की परिभाषा क्या होगी? एक अच्छे पति की परिभाषा यूनिवर्सल है कि हर पत्नी की अलग है? और एक अच्छी पत्नी की परिभाषा यूनिवर्सल है कि हर पति की अलग है? और सुबह की परिभाषा और शाम की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है ना? तो इसका मतलब है कि जो बात उन्होंने कहा कि जब तक वो अपेक्षाएं ही निश्चित नहीं है कि मेरी भूमिका क्या होगी, सामने वाले की भूमिका क्या होगी, पति का क्या मतलब होता है, पत्नी का क्या मतलब होता है, परिवार का क्या मतलब होता है, हमारी क्लैरिटी ही नहीं है, तो मैं कुछ भी सोच लूँगा, सामने वाला कुछ भी अपेक्षा करेगा, वो कुछ भी सोच लेगा, फिर वो नाराज होगा, है ना? और हम परेशान होते रहेंगे. बिल्कुल ठीक. बढ़िया. और बोलिए. और बोलिए. मेरा नाम नेहा भट्ट, पावनगर से आई हूँ. जैसे सर आपने बताया कि मैं बोलती कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, बस समस्या सभी के पास है पर उनको ये पता नहीं चलता कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है. जो सॉल्यूशन पता रहे तो समस्या आएगी. जो अभी अपन यहाँ पे आपने बोला कि सुन के फिर जो बताना है
करना क्या है, फिर उसके बाद जिंदगी में पॉजिटिव घटना स्वीकार करना हमें आता नहीं। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि नेगेटिव हमारे साथ क्या हो रहा है, फिर दिन भर यही सोचा करते कि सबसे ज्यादा हमें हम ही दुखी है, क्योंकि हम खुद ही सोच लेते हैं कि हमारे साथ ही नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव उसमें भी कुछ होता है, उसमें भी सीखना रहता है, पर हम सीखते नहीं। ये हर रोज की घटना होती है कि जो नेगेटिव रहता है, और सपोज नेगेटिव भी नहीं रहता, उस चीज से हमें बहुत सी सीखना मिलती है, पर सीखते ही नहीं। और दिन भर यही सोचा करते कि हम नहीं, इसने हमें दुख दे दिया, इसने हमें दुख दे दिया, इसलिए हम कभी सुखी नहीं। और दूसरी बात ये हुई कि दुख होने के लिए सबसे ज्यादा कारण हम अपने खुद से दुखी पाते हैं, कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा दुखी, कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो दिन भर यही दुख रहता है कि क्यों हम दुखी हो, उससे हमको ज्यादा से ज्यादा दुख होने का कारण हम खुद ही रहते हैं, ये हुआ। और ये जो अभी सबसे लास्ट में जो अपन ने आपने बताया कि अपन को ये क्लियर होना चाहिए कि भाई अपन को करना क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव, अभी अब अपन को पता चल जाए कि अपन को ये काम करना ही नहीं, क्लियर हो गया, तो अपन कभी पॉजिटिव सभी काम जो होंगे अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगे। पर ये अपने पास क्लियर होना चाहिए कि अपन को करना नहीं है, ये अपन को सुबह उठ के सोच के फिक्स होना चाहिए कि भाई आज अपन को ये काम होना ही नहीं, तो अपने आप सारे काम पॉजिटिव। और डे बाय डे जो जीवन चल रहा है वो तो अपन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उसमें सिचुएशन सॉल्यूशन प्रेजेंटली लेके क्लियर करना पड़ेंगे, तो पॉजिटिव रहेंगे जब भी कोई समस्या आएगी। जी जो सहज हो गई है वो हम रियल लाइफ में भी हम लोग को, जैसे बात हुई थी एग्जांपल की पानी पीना, तो जो चीज़ हमारे लिए सहज है वो मतलब हमारे लिए वो कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारी लाइफ में। तो जो चीज़ हम समझ नहीं पाते और जो हमारे ब्रेन में हम रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है तब हम लोग को समझ नहीं आता। जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल है, 2+2=4 है, तो छोटे बच्चे को जब तक ये समझ नहीं आता तब उसके लिए ये प्रॉब्लम है। जैसे हमारे लिए अभी 2+2 कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कभी मन में ऐसा आता है कि कहीं 4 तो नहीं 5 तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज का एग्जांपल जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो अगर ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर ये देखे कि अगर समझ पाओगे तो वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता वैसा चीज। तो एग्जांपल हर एक चीज में, नॉट खाली हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई भी चीज को आप अगर उसको हमारे लिए रॉकेट साइंस अगर बात करें, तो कोई साइंटिस्ट के लिए रॉकेट साइंस बहुत ईजी है मतलब कुछ, पर हमारे लिए बहुत टफ है। तो जब वो हमारे लिए सही हो जाएगा तो इजीली हम समझ पाएंगे चीज़ें। तो कोई भी चीज़ आप समझोगे तो इजी हो जाएगा, अगर समझ नहीं पाओगे तो आप अंदर अंदर आपको लग रहेगा कि मैं पेशेंस लूज कर रहा हूँ, अपने में विश्वास नहीं है, ये सारी चीज़ें आएगी। हम पास्ट से छूटे नहीं है पूरी तरह से, सो इस वजह से एक कंफ्यूजन रहता है कि गर्ल एंड बॉय दोनों कमा रहे हैं तो फिर क्यों वो ये काम नहीं कर रहा है और वो क्यों ये काम नहीं कर रही है, एंड अगर नहीं कर रही है हमारे घर में ऐसा नहीं हो रहा था तो अब ये नहीं होगा, सो वी आर इन दैट डायलेमा, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया, ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, एंड इसीलिए हम नई चीजें तो चाहते हैं लेकिन पुरानी चीजें अनलर्न नहीं कर पाए हैं, सो ये फिलहाल इसके कारण ये सारा सब जो क्वेश्चन जो आ रहा है कि भाई क्यों आज डिवोर्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि अब रोल्स डिफाइंड नहीं रहे हैं एंड पास्ट अभी छूटा नहीं है, सो आई गेस दिस पॉलिटिक्स के साथ होता है कि जीना भावपूर्वक होता है, तो जीना भावपूर्वक होता है, और अभी की पीढ़ी को में हम लॉजिक को जीना चाहते हैं, लॉजिक से कोई चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जीना तो भावपूर्वक ही होता है। तो या तो हम आस्था से जी रहे थे, पति परमेश्वर होता है और ऐसा होता है और वैसा होता है, आस्थाएं गई, अब लॉजिक से जिंदगी नहीं चलती है, लॉजिक से जिंदगी को समझने की कोशिश की जा सकती है, जिंदगी भावपूर्वक ही चलती है और भाव की कोई स्थिति बनी नहीं। उसका मेन तो एक ही चीज़ है, सबसे पहले तो समझना कि लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ एन इवेंट, कोई भी चीज़ है वो एक घटना ही है, अब उसमें दुख समझ पड़ी तो वो अपॉर्चुनिटी है, नहीं पड़ी तो वो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ कोई भी रिलेशन में भी है, वो समझ पड़ गया तो वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, नहीं समझ पड़ा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये डिवोर्स केसेस, तो उसमें भी आज के दिन में पेरेंट्स का भी प्रॉब्लमेटिक क्या है कि अब वो अपने बच्चों को बोल देते हैं कि भाई कुछ नहीं हो तो घर आ जाना, तो पहले आस्था थी कि नहीं आपको नहीं आना, तो वो उसमें क्या है कि भाई उसने रिलेशन में वो समझा नहीं रिलेशन क्या है। अगर वो रिलेशन कोई भी समझ, कोई भी चीज़ को, इवेंट को, घटना को कोई भी समझ लेगा,
तो वो प्रॉब्लम गलती नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, आप उसको समझ गए तो आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। इट्स एन व्हील है, मैरिज व्हील एक गाड़ी जैसे ही है, दोनों व्हील सही चाहिए। तो आप समझ गए कि उसमें हवा कम है तो आप में भी ज्यादा लेवल हो जाएगा, तो गाड़ी सही चल जाएगी। तो एवरीथिंग इज एन इवेंट। अब इवेंट को आपको समझना है कि वो इवेंट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है। अगर वो इवेंट को समझ गए तो हर एक चीज अपॉर्चुनिटी है लाइफ। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सब कुछ एक घटना है। इसका मतलब है कि केवल मेरी समझने की ताकत को बढ़ाऊंगा तो उन्हीं घटनाओं में जिसमें मैं अभी परेशान हो रहा था। देखिए आपको एक बात शेयर करता हूँ कि अधिकांश लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं, मृत्यु से आमना सामना हो गया या जिंदगी में कोई बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बड़े टर्न आए हैं और उन्होंने कोई बड़े रिजल्ट दिए हैं। जितने भी लोगों की ज़िंदगी में, जितने भी लोगों को आप बहुत लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ देखते हो, जितने भी लोगों को आप कोई बड़ी उपलब्धियों के साथ में देखते हो, उन सबकी जर्नी को आप सुनोगे तो पता चलेगा कि बहुत उबड़ खाबड़ जर्नी रही, बहुत कुछ उठा पटक से गुजरे हैं। तो इसका ये मतलब है कि यदि हमारी ज़िंदगी में घटनाओं का कोई ऐसा क्रम घटता है, वो घटनाओं का क्रम हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ समझाने के लिए आया है। तो यदि मैं ज़िंदगी का विद्यार्थी बनता हूँ, यदि मैं ज़िंदगी में सही अर्थों में स्टूडेंट ही बनता हूँ और सारी घटनाएं मात्र मेरे लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, यदि मैं उस क्वेश्चन पेपर को पास करता हूँ तो उससे बड़ी घटनाएं मुझको मिलेगी, उससे बड़ी घटनाओं को पास करता हूँ तो उससे आगे की घटनाएँ मिलेगी, और एट द एंड ऑफ द डे है ना, मैं घटनाओं को सफलतापूर्वक पास करते आया हूँ, उसकी खुशी मुझको मिलेगी, उसका रिवार्ड मुझको मिलेगा, कोई एक स्टेट ऑफ माइंड, कोई एक स्टेबिलिटी मुझको मिलेगी, और शरीर यात्रा पूरा करते समय इस बात की खुशी मिलेगी कि मैं ज़िंदगी जिया, है ना। तो ज़िंदगी एक घटनाओं की श्रृंखला है, हमारे पास समझने की क्षमता है, तमाम घटनाएं किसी नियम से घटती हैं इसलिए उनको समझा जा सकता है। खाना खा के शादी को समझेंगे।